अभी शुरू होने वाला है, दर्शकों को शांति से बैठे रहना है, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। ये कौन है जो बीच में घूम रहा है, आपसे निवेदन है कि उसे बिठाइए। जय भुवनेश्वरी युवा संघ, ये है डॉक्टर राजकुमार के चाहने वालों का संघ। इन दोनों के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप सबका इसमें स्वागत है, सुस्वागत है। अभी तक जिस टीम ने एंट्री फी दी हुई है वो है काका गंडा देव के साथ, हमारी टीम को डालो। हमारा पहला खेल चिकन सिंगरी के साथ रखो। अरे उन लोगों को भी पहला राउंड चाहिए, तुम्हें भी चाहिए क्या? तुम लोग हर साल ऐसे ही परेशान करते हो। अगले साल से इनके गांव में पोस्टर मत लगाना। तुम्हारे गांव में वो लोग पढ़ने को जाते हैं, तुम लोग उनके गांव में कभी कभी जाते हो? वो लोग तो मारपीट नहीं करते हैं, जहाँ मेला चलता है वहाँ पर क्रिकेट चलता है, मारपीट नहीं। दोनों को बीच में डालो वरना यहाँ से कट लो। अरे हमें क्या करना है यार, डाल देना दोनों गाँव वालों को, लड़कर मारने देना। अरे भाई तुम चुप रहो, क्या करना है हम लोग देख लेंगे, अब जाओ तुम लोग आराम से खेलो। अब देखना हमारे तेवर तुम, चलो। अभी जो गेम चल रहा है डोडा खीकरा डंडा देवकर संघ के साथ, और सामने है वन मैन आर्मी चिंग। ध्यान से खेलना, फर्स्ट राउंड में हमें ये मैच जीतना ही होगा, समझ गए ना? जी जान लगा देना। इस जोड़ी ने पहले मैच में 80 रन बनाए हैं। ये चिंकर सिंकरे डोंडा सिंकरे जब भी मैच खेलते हैं अपने इंडिया पाकिस्तान के जैसा बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। ए तू बाउंड्री के पास जा, जल्दी पीछे जा। लुंगी पहन के मैच खेलने आया है, प्लेयर है कि गाय चराने वाला? क्या हुआ, हार गए क्या? जितनी एंट्री फीस क्रिकेट खेलने के लिए भरते हो उतने में एक तालाब या वाइन शॉप भाड़े पर लेकर तुम लोग कमा भी सकते हो। ए जाते जाते ये बड़े पापा के घर देते जाना। भैया क्या है? अरे पता नहीं ये लोग कौन है, बाहर में तब से झगड़ा कर रहे हैं भाई। पूरी बोतल पी ली, जब मैंने पैसा मांगा तो बोलते तुमने डुप्लीकेट माल दिया, अपने ओनर को बुलाओ। ऐसा क्या? सुनो एक बोतल दो और पूछो कहां से आया। ठीक है। ये क्या, इतनी चोट कैसे लगी? हाँ डोडा सिकरे के लड़के लोग खेलते समय मारे गए हैं भाई। बच्चों को अपने साथ ले गए थे और डोडा सिंगरे के लड़के लोगों के हाथों मार खा कर आ गए। चाहो कहीं फांसी लगाकर मर जाओ। नहीं लेकिन हमने भी मारा। तूने कितना मारा मुझे पता है। वो गुली कमीना आया था क्या? नहीं। क्या है गणपति? ये मुझे धमकी दे रहे हैं, फिर से खंबा मांग रहे हैं भाई। अरे कौन है वो? डोडा सिंगरे वाले हैं भाई। अच्छा ठीक है दे दो। नमस्ते। वो लोग कहां पर बैठे हैं? वहां बैठा है भाई। कमीनों मेरे बार में आकर मेरे ही लोगों को धमकी दे रहे हो? नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस गांव से यहां आकर धमकी देने की? एक एक की हड्डी तोड़ दूंगा। अरे किसी को नहीं छोड़ूंगा। सुनो बहुत हो गया, अब उस गुली का कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे अभी के अभी 100 रुपए चाहिए। यहाँ चटनी बनाने के लिए पैसे नहीं है, मैंने क्या पैसों का झाड़ लगाया है? ओह
माँ। ओहो इधर आओ इधर आओ। इस घर में जो भी बचा है वो सिर्फ टीवी ही बचा है, ये उसे भी तोड़ देगा। ये ले उसे दे। भैया ये लो भैया। दोनों माँ बेटे मिलकर खेती के काम से जो पैसा मिलता है वो छुपा कर रखती हो क्या? टीवी पे भाई का सॉन्ग आया है इसलिए टीवी बच गया, समझी? नहीं तो कहानी खत्म हो जाती इसकी। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो ये होना ही है। हे, अरे टीवी ऑफ कर। अरे मेरे पैसे दो ना, मुझे जाना है। दो ना मुझे। मुझसे शादी करेगी क्या? बोल तो लेकर जा। दो ना मुझे जाना है। दो। शादी करेगी क्या? बोल तो लेकर जा। बोल के लिए लेट हो रहा है, मुझे जाना है। दो ना। शादी करेगी बोल तो ही दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। जा। आज आप मुझसे पूछ रहे हो शादी के लिए, और उस दिन आप गौरी से पूछ रहे थे शादी के लिए। दोनों से भी करूंगा, तू पहली है वो दूसरी है। हाँ ठीक है कर लूंगी, अब पैसे दो। ऐसा बोलेगी तो मैं नहीं दूंगा, थोड़ा हंस के बोल मेरे ससुर की बेटी। ठीक है कर लूंगी, अब पैसे दो। ए बुलबुल जाके तेरे बाप को बोल मुझे कार देगा तो ही शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कंजूस कहीं का। हेलो कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है। हाँ मैं खाना ही बना रही थी। आपने खाना खाया? वो पढ़ रही है? हाँ ठीक से पढ़ाई कर तो रही है। अब वो कंप्यूटर की पढ़ाई करती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वो गाय खरीदने के लिए पैसे भेजेंगे आपने कहा था ना? हाँ भेजे क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रखूं? अरे ये क्या माँ, जब पापा ने फोन किया था तो भैया की शिकायत क्यों नहीं की आपने? अरे तू चुप कर, वो आदमी एक तो गुस्से वाला है, वीजा कैंसिल करवा कर यहाँ आकर बैठ जाएगा, फिर बाप बेटा झगड़ा करेंगे और हम दोनों को देखना पड़ेगा। फिलहाल ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, ये जेष जाने के बाद आषाढ़ जाने दो, फिर श्रावण आएगा और वो टॉप में जाएगा। ए, ए, चलो चलो अंदर जाओ तुम लोग। अरे वाह गुली। अच्छा, अच्छा। भाई इतने दिनों तक कहाँ गायब थे तुम? नमस्ते सर, क्या करे, पास करवाने के लिए कुछ ले लो ना सर। क्या पास होना है? मैंने सब तरह से सोच कर देख लिया सर, मैं तो कुछ भी कर लूँ पास होना ही नहीं है, इसलिए इस बार पैसे देकर पास होना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। दो साल तो तुम ये बोल रहे थे कि सर मैं पास हो जाऊंगा, चिंता मत करो। अब क्या हो गया? ठीक है छोड़िए उसे, अब आप पास करवाने के लिए क्या लेंगे बोलो? देखो भाई 20,000 तो लगेंगे। क्या सर ऐसी बात कर रहे हो, 10वीं में 5 पेपर के लिए मैंने 10,000 दिए थे, अभी एक पेपर के लिए 20,000 मांग रहे हो? ये 12वीं है भाई। क्या बोले आपको, देखो मुझे वो सब नहीं पता, मेरे बाप के आने से पहले मुझे डिग्री में ज्वाइन होना है, कुछ भी करके मुझे पास करवाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी, ठीक है ना? अगर पैसे दोगे तो भाई ये तुम्हारा काम हो जाएगा, पास हो जाओगे तुम। अच्छा एक सिगरेट तो दे दो। खत्म हो गया सर। पूरी पैकेट लेकर घूम रहे हो और कहते हो कि सिगरेट नहीं है। थू, थू। ए, चलो सब अंदर, पढ़ाई पर नहीं दूसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान रहता है। सिगरेट चाहिए तुझे? पहले तूने मुझसे जितने भी पैसे लिए ना वो मैं कैसे वसूल करता हूँ तू देखते रहना। ए, आजा आजा। क्या था तमा? क्या वे गुली कॉलेज जाकर आया क्या? अरे मेरा कॉलेज छोड़ो, तुम्हारी गाड़ी के पीछे लड़की को भगा कर ले जाने के लिए फ्री ऐसा स्टिकर लगवाने को बोला था, लगाया कि नहीं? जल्दी लगा लो जरूरत पड़ेगी। अबे क्या हुआ तुझे, सुबह सुबह यहाँ दर्शन दे रहा है? अरे सेकंड शो देखकर आया फिर कार में ही सो गया था। ठीक है बार में क्या लफड़ा हुआ था बता। अरे काहे का लफड़ा, तेरा गुस्सा उसने हमारे ऊपर निकाल दिया यार। वो तो कभी ना कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, कभी ना कभी मेरे हाथ लगेगा ना तो उसकी अच्छे से खातिरदारी करता हूँ, मेरे पावर क्या है पता चलेगा अच्छे से। क्या कर रहा है यार? क्यों बे, इंजेक्शन नहीं लिया था क्या? नहीं यार इंजेक्शन तो नहीं लिया, लेकिन नाइट में लाइट टॉनिक लिया। क्या यार क्या मजा कर रहा है, देख ले ओए उधर रंग की बस आ गई है।
इसी तरह दसवीं में मैं पास होंगी या फेल ये मैंने तोड़ कर देखा था। फटावाज आई तो पास, ठोसावाज आई तो फेल। दसवीं में तो मैं पास हो गई, लेकिन अब ग्यारहवीं में मैं पास होंगी या फेल ये देखते हैं। हाँ ठीक है देखो देखो। हे पास, पास हो जाऊंगी। अंतमा बाहर का मैटर ऐसे ही छोड़ दिया ना तो वो सोचेगा हम लोग डर गए। अभी उसके गांव में जाकर पुंगी बजा कर आते हैं, वो क्या कर लेगा मैं देख लेता हूँ, समझा ना। ज्यादा पुंगी बजाएगा तो हम उसकी लुंगी उतार के पुंगी बजाएंगे। तुम्हारी बहन पास हो गया फेल, ये तोड़ कर देखें। हाँ ठीक है देखते हैं। हाँ तुम्हारे लिए बड़ा फूल लिया था, हमारी दीदी के लिए छोटा फूल ले रही हो। हे ऐसा कुछ नहीं है। हे फेल जाओ, तुम बेईमानी कर रही हो। अच्छा गंगा तेरी दीदी के लिए मैं बड़ा फूल तोड़ती हूँ, ठीक है। ए तुम बेईमानी कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। ए गंगा रुक जा, गंगा रुकना, रुक जा। नहीं मैं नहीं आने वाली। ठीक है जा। हाँ लगता है गाड़ी आ रही है, लिफ्ट मांगूंगी। हेलो शह, पहले ही दो लोग बैठे हैं, चल। ए अंतमा हाँ? गाड़ी पीछे खींच रही है, कहीं पंक्चर हुई है क्या, देखना। टायर में हवा तो फुल है। ऐसे चलते चलते घर आ जाना। अरे जाओ जाओ, जब से पैदा हुए हो तब से गाड़ी में ही घूम रहे हो क्या, चलो जाओ। अरे ये तो अकेला आ रहा है, चल चल जल्दी चल। अरे अरे संभल के चल 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 चल। मैं क्या कर सकता हूँ। इस रास्ते में आगे एक बड़ा सा पेड़ है ना। अच्छा उसके बगल में एक ब्रिज है ना। हाँ। और उसके बगल में एक पुराना। हाँ, है ना? पता है वहाँ तक छोड़ दोगे। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, आओ ना। आह लक्स आ जा, इसके पैर में कांटा चुभ गया है। सही में दर्द हो रहा है क्या, ये कभी किसी लड़की को नहीं छोड़ता है। अरे बच्चा चप्पल पहन कर घूम सकते हो ना, एक काम करो तुम बैठ कर इसे गोद में बिठा लो ना। नहीं नहीं मैं नहीं आ रही, सिर्फ यही आ रहा है। क्यों तुम नहीं आ रही हो। नहीं ए, चल उतर नीचे। मैं नहीं उतरूंगा। अबे एक दूंगा झापड़ी के, बहुत बड़ा शाहरुख खान बनता है क्या, उसे उतार कर मैं इसे ले जाने के लिए आया था, दूसरा कोई मिलेगा तो लेकर जाना। चेहरा देखो अपना, ये लो इसे अच्छे से धो लो। चल मैं ही तुम्हें उठा कर ले जाती हूँ। पंचर हो गया। पंचर, दोस्त से की गद्दारी तो टायर हो गया, पंचर अब दोस्त ले रहा है मजे। ये है ओहो, ये है पंचर, पंचर 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 है पंचर। माँ मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। अजी सुनिए, आज इसके कॉलेज का पहला दिन है, गाड़ी में ले जाकर छोड़ कर आइए इसे। अरे नहीं माँ, आज के दिन की ही तो बात है, कल से तो मैं वैसे भी साइकिल से जाऊंगी। ठीक है संभल कर जाना। पापा बुक खरीदनी है, पैसे दो ना। रुको बेटा, गाय को चारा खिला करके आता हूँ। नहीं पापा, मेरी सारी सहेलियाँ आती होंगी, मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। ठीक है ये लो बेटा। ये गवर्नमेंट की बस ना डोडा सिंगरी से अगर छोड़ेंगे ना तो हमारे बच्चे कॉलेज ठीक से आ जा सकेंगे, सही है ना। जल्दी चल, लेट हो जाएंगे। पता है सूर्या और विद्या का कब से चक्कर चल रहा है। ऐसा क्या? हाँ मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। सच में? वैसे मुझे तो पता ही था, लेकिन देख हमारे सामने कैसे अनजान होने का नाटक करती है। अरे सिर्फ नाम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज है, हर चीज के लिए पैसा मांगते हैं यहाँ। प्राइवेट कॉलेज भी तो पैसे लेते हैं। अरे कोई बाइक से आ रहा है, जल्दी आओ जल्दी आओ। जल्दी आ, जल्दी कर। अरे रुको रुको आ रही हूँ। अरे वो डांटेगा, जल्दी आ जाना। रुको ना दो मिनट। अरे नेत्रा जल्दी आ जा, क्या करिए। वो सब गिर गया। ओए यहाँ क्या कर रही हो, हाँ क्या चल रहा है यहाँ पे। ओहो धान चुरा रही हो क्या, कितने दिनों से कर रही हो ये सब। अरे नहीं नहीं सिर्फ आज ही किया। डब्बा निकालो, खोलो डिब्बा। हाँ चुराओगी तुम। हाँ हमने कुछ नहीं चुराया, देख लो इसी ने चुराया है। चुराएगी चुराएगी, तेरा क्या है। और तेरा? मेरा डिब्बा बहुत टाइट है, खुल ही नहीं रहा है। अभी तो किसी ने इस्तेमाल नहीं किया क्या, चल खोल इसको। इसने जो धान चुराया है उसकी सजा क्या है पता है। अरे सजा भी कल से कॉलेज इसे अकेले ही जाना पड़ेगा। हाँ? कोई इसके साथ नहीं जाएगा, अगर कोई गया ना तो उसकी चोटी काट कर। चलो जाओ। Hey! अरे जाओ ना। हाँ, अरे जाओ तुम। अरे चलो निकलो यहाँ से। आरती क्यों रही है लक्स, वो तू ही है ना,
उस दिन गाड़ी को रुका कर बच्चे को बिठाना चाहती थी, अपने आप को बहुत ज्यादा पुण्य की देवी समझती हो गया। तेरा गांव कौन सा है? चिकर सिंकरे है क्या? हाँ तो। नाम क्या है तेरा? नेत्रावती। हैं? सब मुझे नेत्रा नेत्रा कह के बुलाते हैं। तेरे बाप का नाम क्या है? बोराई गौड़ा। क्या करते हैं वो? मेरे पिताजी धान बेचते हैं। ओ, अभी समझ गया, तू इसी तरह धान चुरा चुरा कर तेरे बाप को देती है और वो पूरे गांव में अच्छे रेट में बेचता है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब जमा करके जाकर दुकान में दूंगी तो दुकान वाला मुझे इसके बदले में बिस्किट दे देगा। हाँ, तो तेरे बिस्किट के लिए तुझे मेरा ही खेत मिला था क्या? अरे ये क्या, तू इतना छोटा डिब्बा लेकर आई है, कल से बड़ा डिब्बा लेकर आना। अरे ये देख, ये भी अपन का खेत है, वो भी अपना खेत है, तू जितना चाहिए उतना ले सकती है। थैंक्स। लेकिन एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? तू मेरे से शादी करेगी ऐसा बोल दे। ऐसा मैं नहीं बोलूंगी। अरे मैं क्या सच में तुझसे शादी करने के लिए बोल रहा हूँ? ऐसे ही मजाक में बोल के चली जा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। अरे मजाक करने के लिए बोल रहा हूँ ना। अरे बोल के जाना, करेगी ना शादी? सच में भी नहीं बोलूंगी और मजाक में भी नहीं। ऐसा क्या? चल ठीक है जा, मेरे घर से तू धान चुरा रही थी ऐसा मैं तेरे बाप को जाके बोल दूंगा, फिर पंचायत आएगी, बाद में क्या होगा देखना। अरे रे रे। डर लग रहा है ना? डर लग रहा है ना तुझे? तो जल्दी बोल, शादी करेगी या नहीं? ओए, ओए। अरे यार, अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, उस लड़की का पेन गिर गया था तो उसे ढूंढने में मदद कर रहा था। तू बता क्या समाचार है? यार सुबह सुबह 90 लेकर के हम लोग को उधर बुला रहा है, पता नहीं क्या खास है वहाँ पे। क्या यार तू भी? है गुली, अगले हफ्ते क्रिकेट मैच है, बच्चे लोग बैट मांग रहे हैं। अरे छोड़ना यार, वो बच्चे कितनी बार बैट मांगते रहते हैं, उनको कोई काम धंधा है क्या? ये कौन सी लॉरी आ रही है यार? अरे वो गोबर का लॉरी है, अपने गाँव की सोसाइटी का गोबर आ रहा है। अरे यार राजेश को कावेरी मिडिल स्कूल के पास क्या काम है, जब देखो वही आस पास घूमता रहता है, अजीब आदमी है यार, दिमाग नहीं लगाता है, भगाता है सबको। अब ये कौन सा प्लान बना रहा है? अरे ये ऐसे क्यों भाग रहा है? अरे गुल्ली, अरे इस पे क्यों चल रहा है? अरे क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है भाई? देखो यार, कहीं भी बेचो इसका 500 रुपया तो जरूर मिलेगा। वो बच्चा पार्टी बैट मांग रही थी ना, दिलवा दे, बाकी का क्वार्टर लेके आना। बैट का निकाल दिया तो क्वार्टर भी नहीं मिलेगा हमको। अपने भरोसे जब बच्चे मांगते हैं तो बच्चों को देने का रे। अरे यार उतारा है, दो तीन और उतार लिया होता अपना भी काम हो जाता ना भाई। ठीक है, सुबह सुबह मेरा गोबर निकाल के लेकर रखता हूँ, तू लेके जाना। क्या कर दिया? क्या किया तुमने? सोसाइटी में जाने वाले गोबर को तुम लोगों ने चुराया। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं पंचायत में जाके गांव वालों को इकट्ठा करके गांव वालों के सामने छी थू नहीं करवाया ना तो मेरा नाम भी परमेश्वर नहीं है, दिखा दूंगा मैं तुम्हें। अरे अरे जाओ उसको रोको यार। अरे मामा एक थैली खादी तो चुराया, इसमें क्या हो जाएगा? छोटी सी बात पे क्यों गुस्सा हो रहे हो मामा, मान जाओ ना। उस दिन पूरे गांव के सामने तुम लोगों ने हंगामा करके मेरी इज्जत उतार दी थी ना, तो अब देखो उन्हीं गांव वालों के सामने मैं तुम लोगों की इज्जत उतारता हूँ। मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं परमेश्वर कौन है। ये रखो वो सब छोड़ो, मुझे रिश्वत दे रहा है परमेश्वर को रिश्वत दे रहा है परमेश्वर को। परमेश्वर का मतलब है पंचायत, पंचायत का मतलब है परमेश्वर, पंचायत का मतलब है इंसाफ, और मैं इंसाफ दिलवा के रहूंगा। मामा वो सब छोड़ो और इसे रख लो। हाथ दूर रख। क्या मामा इतनी बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं सुनना मुझे तुम्हारी बात। अरे मामा क्या है अभी? ये क्या, ये किसको बुला रहा है? अरे तुमको ही बुला रहा हूँ परमेश। लेकिन मुझे क्यों बुला रहा है? हमने सुना है कि तुम्हें और तुम्हारी बीवी में झगड़ा हो गया। पर मैं और मेरी बीवी तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, झगड़ा क्यों करेंगे? अरे मामा मियाँ बीवी में झगड़ा होते रहता है, उसमें इतना क्या सोचना, खाने के समय भूल जाने का। हम दोनों अच्छे से हैं तो बात करने की क्या जरूरत है, चुप रहो तुम लोग। अरे अपने परमेश्वर ने जहर पी लिया है यार। क्या काम? कौन किसे? तुम ही तो। मैंने कब पिया? अरे सुन तो। हाँ बोलना। अभी तू एक काम कर, सीधे गांव में चला जा, चार लोगों को इकट्ठा कर और अपने परमेश्वर ने जहर पी लिया है, जहर पी लिया, जहर पी लिया, ऐसा नगाड़ा बजवा कर इस बॉडी को उठाकर ले जाने के लिए एक गाड़ी लेके। ऐसा क्या? अरे परमेश्वर जी ने जहर पी लिया है, परमेश्वर जी ने जहर पी लिया है। लिंगा क्या हुआ, ऐसे घबरा कर कहाँ भागे जा रहे हो?
तुम्हें नहीं पता क्या क्या हुआ? पंचायत परमेश्वर ने जहर पी लिया है। क्या? पंचायत परमेश्वर ने जहर पी लिया है। हे भगवान, मुनिया क्या है? क्या? तुम्हें पता है क्या? क्या? अपना परमेश्वर है ना। कौन सा परमेश्वर? अपना पंचायत का मेंबर, उसने जहर पी लिया। अरे भगवान, मैं तो कल ही उसे मिला था, वो तो ठीक ठाक था। अरे मैं तो आज भी ठीक ही हूँ ना। वो तो हम जानते हैं ना परमेश्वर। ओ मुंडा राजा। अरे रे रे। हाँ, मुझे पता चला है, इसलिए मैं उन्हें देखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जाओ जाओ। अभी तू इधर आ। बुढ़ापे में अपने काम पे ध्यान रखने की बजाय जवान लड़कों से तू पंगा लेगा तो क्या होगा? ये तुझे अभी बताता हूँ। ये ले, ले और ले, ले ना ले। क्या कर रहे हो सब? चल मुखो। ये क्या, छोटे बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाने जैसे क्या कर रहे हो तू? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे मेरे बीवी बच्चे। अरे नहीं, अभी याद आया क्या तुझे बीवी बच्चे? अरे अरे, ये क्या कर लिया इन्होंने, क्या कर लिया? अरे क्या हो गया, उठो, क्या हो गया, इन्हें बताओ ना सही। अरे उसके पति ने जहर पी लिया। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या है? यहाँ नर्स जयलक्ष्मी थी ना, वो कहाँ गई? वो काम छोड़कर चली गई है। ओह, हाँ। तुम्हारा गांव कौन सा? एर्नाकुलम। ओह, अपना भी तो एर्नाकुलम है। अपना फोन नंबर दो ना। अरे हेलो हेलो, ओए। अरे कहाँ है मेरे पति, कहाँ है? मुझे एक बार उनसे मिला दो, हे भगवान। अरे वो अंदर है मामी, रो मत। उस भगवान ने ही मेरे पति को बचाने तुम्हें वहाँ भेजा था। अरे मामी, तुम्हारा मंगलसूत्र बचाना अपन का फर्ज है। तुम वहाँ नहीं होते तो मेरा पति अब तक गुजर जाता। तुम रो मत मामी, ऐसे रो मत, मुझे बहुत दर्द होता है। मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था। पैसे कितने भी खर्च होने दो, लेकिन मेरे पति को बचा लो। क्या हुआ? चुप जाओ। तुम लोग पैसों की फिक्र मत करो, सिर्फ मेरे पति को बचा लो। कितना भी खर्चा हो जाए, सिर्फ मुंह से ही बोल रही हो, कुछ निकालो भी तो। मेरे पति से बढ़कर पैसा है क्या? ये लो, लो रख लो। मुझे दे, मैं लेके आता हूँ। तुम्हें देख करके मुझे बहुत दुख होता है। तुम अपने पति को बचाने के लिए सब कुछ कर रही हो, लेकिन वो तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर डाउट करता है, इसीलिए उसने जहर पी लिया। सच कह रहा हूँ, सोचो उसके बारे में। वो मेरे कैरेक्टर पर डाउट कर रहा है? कहाँ है वो, दिखा मुझे, अभी उसे देखती हूँ। अरे मुझ पर डाउट करते हो तुम? अरे तेरे मुँह में कीड़े पड़े हैं भगवान, मुझ पर डाउट कर रहा है। इसे क्यों बचाया तूने? इसकी जुबान को जला दो, इसकी आंखें फोड़ दो, मर, तू जल्दी जाकर कहीं मर जा। मैं वैसी नहीं हूँ। ये तू क्या बोल गया रे? तुम्हारी मामी को शक कैसे किया तुमने मामा? जहर पीकर देखो कैसे सो रहा है। अरे जरा समझाओ ना उसे। प्रेसिडेंट जी, ये देखिए आपके दामाद ने क्या कर लिया है। दो लड़कियों को पैदा करने के बाद ब्लडी रास्कल, तू जहर पीने चला है? शर्म नहीं आती? शर्म लिहाज नहीं है तुझे? मान सम्मान सब खा गया, कल मुंह है कहीं के थू। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मेरे पति वहाँ दुबई में इतनी मेहनत करते हैं और तुम लोग यहाँ टाइम पास कर रहे हो? अरे यार, अपन पीना बैठेंगे तो उसमें मिलाने को कुछ भी नहीं है यार। तेरे जेब में कितने पैसे? मेरे पास पैसे नहीं है। तेरे पास कभी पैसे रहते हैं क्या? चलो वो भगवान ही रास्ता दिखाएगा, चलो चलो। भैया, आपको खेत में ट्रैक्टर चलाना है ना? हाँ, तो ट्रैक्टर ही नहीं मिल रहा और बैल भी नहीं है। जरा अपने दोस्तों को बताकर बैल का इंतजाम करवाओ ना। ए, जा अपना काम देख। अरे यार, घर में सिर्फ औरतें हैं, वो लोग कहाँ कहाँ घूमेंगी? तू माइकल को बता देना, वो कुछ ना कुछ कर देगा। ऐसा है? हाँ। क्या? ठीक है, दो जोड़ी के बदले चार जोड़ी बैल आ जाएंगे। जा 200 रुपए लेके। 200 रुपए? 200 रुपए ऐसा मुंह बनाएगी तो नहीं चलेगा, मुझे बहुत काम है। तेरे को बैल चाहिए कि नहीं? हाँ ठीक है, रुको मां से पूछ कर। ठीक है, जल्दी जा। देख लिया ना, पैसे का बंदोबस्त हो गया। अरे भगवान अपनी ही तरफ है, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। वैसे एक बात बताऊं क्या, आपू ना पहले से ही बहुत पैसे तो दे रही हूँ, लेकिन कल सुबह पक्का काम करना होगा। सवेरे दोनों माँ बेटी मिलकर नाटक कर रही थी ना, पैसे नहीं है बोल रही थी, अभी कहाँ से आ गए ये हरे हरे नोट? हाँ, काम करवाना है तुझे काम? अरे रुक, करवाता हूँ तेरा काम। भैया भैया, उस पैसे से मेरे लिए तो पेंसिल भी लेते आना। रबर वाली या बिना रबर वाली? ये जो बैल जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं क्या? कल बुधवार है ना, वहीं जा रहे हैं। वो अपनी बहन भी बैल मांग रही थी। हाँ। तो रात को दो जोड़ी चुरा के अपने खेत का काम करवाएं क्या? अरे बाप रे, पुलिस स्टेशन जाना चाहते हो क्या? अरे लेकिन मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। तू नहीं चलेगा क्या? हाँ। देवी लक्ष्मी, मैं उठ के बैठा हूँ और तू सोया पड़ा है। खाली क्वार्टर भी तो लाश की तरह गिरा हुआ है। अबे उठना चलना।
डर दिख रहा है, डर कर मैं जैसे बोला था वैसे ही कर रही है। बड़ी अच्छी लड़की है, चोटी बच गई उसकी। ए, कोई भी डरना मत, सब लोगों ने काम किया है तो उसका पैसा मिलेगा ही मिलेगा, दोपहर को खाना मिलेगा, रात को पीने का भी बंदोबस्त है। चलो अच्छे से अपना काम करो। अरे ये क्या? ये तो अपना मादा लग रहा है और बैल भी अपनी है। ए मादा, यहाँ क्या कर रहे हो? और बैलों को तो मार्केट में लेके जाने वाले थे ना? मादा कौन है? तेरे घर का नौकर है क्या? हाँ। तो फिर वो बैल? वो भी हमारी है। अच्छा। ए मादा, तू जरा साइड में रुक। माधा और बैल दोनों को छोड़ दूंगा, एक बार शादी करूंगी, बोलना। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी बाबा। ए, तू भी चल घूम और दो राउंड एक्स्ट्रा मारना। अब देख तेरा क्या। कहाँ जा रही है? घर जा रही है। ओहो, ये सब जाके अपने बाप को बताना है क्या? सुन, मेरे घर से तूने धान चुराया था वो मैं भी बताऊं क्या? हाँ, पूरे गांव वालों को बताऊं क्या तेरा बाप कैसे धान बेचता है? मेरे से पंगा नहीं लेना, चुपचाप कॉलेज चली जा। अरे वो नहाने गया है, जल्दी बता कहाँ साइन करना है। अरे तुम्हारे जल्दबाजी के चक्कर में कहीं भी साइन थोड़े करवा लूंगा, जहाँ पेपर है वहीं साइन करवाऊंगा ना, तुम भी ना मेरी नौकरी खा जाओगी। रानी, ए रानी, क्या है माँ? जल्दी आना, पासबुक और बैग लेकर आ। हाँ, आती हूँ। रानी जल्दी आ जा, पापा ने पैसे भेजे हैं। कितने भेजे माँ? 10,000 भेजने को कहा था, अभी तक खोलकर नहीं देखा, बस आ गई है, चल चल चल। ए रानी, भैया आ गए माँ। कहाँ जा रही है इस वक्त? कहीं नहीं भैया, मेरा सर दुख रहा है ना, तो हॉस्पिटल जा रहे हैं। ओह, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? ये ले, उसे जाकर दे दे। ये लो भैया, आपके खर्चे के लिए रख लो। मांगने से कभी देते नहीं है, आज मांगने से पहले ही पैसे दे दिए। लगता है आज बाप ने पैसे भेजे हैं। एक पत्थर फेंक के देखता हूँ, कितने पैसे भेजे हैं? 10,000 रुपए भैया। मुझे पता ही था, माँ बेटी का जाने का स्टाइल देखकर ही मुझे पता था कि बाप ने पैसे भेजे हैं। आप लोग जैसे सोचते हो वैसा मैं गैर जिम्मेदार इंसान नहीं हूँ। देखो, ये घर बनाना है, खेती का काम करना है, ये रानी भी बेचारी पढ़ रही है, और मैं भी तो अपने एजुकेशन के लिए पैसे मांग रहा हूँ। चलो ठीक है, ना मेरा ना तुम्हारा, 10,000 रुपए के 3 हिस्से करो, ठीक है ना? अरे बस रुकवाता हूँ, जल्दी आओ। ये भी ना, 10,000 के 3 हिस्से करने को कहा है, पूरे तो नहीं मांगे ना, बच गए, चल चल चल। अरे मेरी बुक गिर गई। अरे चल ठीक है ना, टीचर को बता देंगे। तुझे क्या है, डांट तो मुझे पड़ेगी ना। ए, क्या है, याद है ना मैंने क्या बोला था, वो अकेली जानी चाहिए, उसके साथ कोई सहेली नहीं होनी चाहिए, भूल गई क्या? चलो जाओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसकी बुक ना पानी में गिर गई, हमने कहा छोड़ दे पर सुन नहीं रही। ओ अच्छा, तो ये मैटर है क्या? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया, नोटबुक पानी में गिर गई ऐसा बता देती ना। मैडम बहुत डांटेगी। ओ ऐसा क्या, मैं एक आइडिया बताऊं क्या? तुम कोई भी आइडिया दो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ए, जितना पूछा है उतना ही जवाब देने का, तेरे क्लास में कितने लोग हैं? सब मिलाकर 45 है। 45 तो रुक बताता हूँ, रुक जा। तेरे पास दूसरी नोटबुक है क्या? हाँ है। तो तू एक काम कर, तुम्हारी मैडम स्टूडेंट्स अपना अपना नोटबुक लाओ कहते ही तुम पहले अपना नोटबुक वहाँ ले जाकर रख देना, फिर उसके ऊपर सब लोग अपना अपना नोटबुक रख देंगे, तो तेरी नोटबुक लास्ट हुई कि नहीं। वैसे भी तेरी टीचर एक दिन में 45 लोगों की नोटबुक तो करेक्शन नहीं कर पाएगी, बाकी का अपने घर लेके जाएगी। उसके बाद तू आराम से अपने घर चली जा, रात भर लिखती रहे, और सुबह जाकर बोलना मैडम मैंने गलती से वहाँ पर दूसरी नोटबुक रख दी थी, ऐसा बोल के वो नोटबुक वहाँ पर रख दे, और वो नोटबुक लेकर आ जा और सॉरी बोल के चली जा वहाँ से। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बस एक ही रात में मैं इतना सारा कैसे लिख पाऊंगी? अरे तेरी माँ को बोलकर कॉफी टी बनवा ले और रात भर लिखती बैठ। लेकिन मुझे रात के 10 बजते ही नींद आने लगती है ना। अरे वाह। तुम लोग क्यों हंस रही हो? बात सुन, एक दिन नींद खोने से कुछ होता नहीं है, चुपचाप रात भर बैठ कर लिख। ये क्या है, मैं तेरे को बड़ा टिफिन बॉक्स लाने के लिए बोला था, ये तो सच है, लेकिन ये दो दो टिफिन बॉक्स किसके लिए? अरे नहीं नहीं, इसमें से एक में मेंढक है, मैडम ने लैब के लिए मंगवाया था। अरे जल्दी चल, टाइम हो रहा है। ए, क्यों साथ में नहीं जाना है पता है ना, चलो जाओ। ठीक है चलो चलते हैं। ओ बस आज के दिन मैं उनके साथ जा सकती हूँ।
पूछ लिया तो उसने मुझे छोड़ दिया। इतने दिनों तक मैं शादी कर ले मजाक में बोलता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शादी करनी है तो तेरे से ही करनी है। ओए 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 ओए, अरे क्या हो गया तुझे, कहाँ खो गया भाई? गुली गुली गुली, थोड़ा सा मुझे भी देना है। ये सेंग खाने से तबियत खराब होती है, पता नहीं है क्या। नहीं देना है बोलना, बहाने क्यों बना रहा है? अरे पंचायती आ रहा है, पंचायती आ रहा है। आज दिखाता हूँ मैं इन लोगों को कि मैं क्या चीज। अरे रुको मामा रुको, हम लोग चोर नहीं है, उस दिन गलती से चोरी कर ली थी। अरे मामा माफी मांगा। गांव में हम सर उठा के कैसे घूमेंगे मामा, छोड़ दीजिए ये सब। एक बार छोड़ दीजिए मामा, दूसरी बार ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। तुम लोगों ने मुझे जहर पिलाया, उस बात के लिए मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन पहले ये बताओ वो है कहाँ? इधर बता। मेरी बीवी पर शक करके मैंने जहर पिया, ऐसा तुमने पूरे गाँव में ढिंढोरा पीट दिया ना, मैं उसे माफ नहीं करूँगा। अब देखो मैं अंदर जाऊंगा और बाद में तुम सबको जेल भिजवाऊंगा, देख लेना। हाँ हम लोगों ने तुम्हारी कितनी मदद की है भूल गए? कितनी बार तुम्हारे घर में आके मैंने तुम्हारी बीवी से मांगा है खुद इलेक्शन में वोट, तभी तो जीते हो तुम मामा। इस बार भी आप ही जीतोगे, आपकी सर की कसम खाता हूं। तुम लोग, तुम्हारी ये बात सुन के मैं इस बार पलटने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, देख लेना मैं क्या करता हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं चाहिए, अंदर जाकर आने के बाद बताता हूँ मैं तुझे। तो क्या बात है, बड़े गर्म दिखाई दे रहे हो। मुझे ठंडा रहने कब दिया इस गांव वालों ने? क्यों परमेश्वर जी, तबीयत ठीक है ना? अरे मैं तो ठीक ही हूँ, तुमने गोबर की बोरियों को तो ठीक से गिना है ना? हाँ। उसमें आज एक कम होनी चाहिए था। और उसे किसने चुराया तुम्हें पता है? ये लोग जो बाहर खड़े है ना, उन्होंने ही चुराई है वो बोरी। क्या परमेश्वर, जहर पीने के बाद भी ऐसी बातें कर रहा है? मैंने जहर पिया था, तुमने देखा था क्या? देखो मैं जितना पूछ रहा हूँ तुम सिर्फ उतना ही जवाब दो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अरे मूली और उसके फ्रेंड्स रोड पर आ रहे थे, तो रोड पर उन्हें गोबर की एक गिरी हुई थैली मिली, उन्हें लगा सोसाइटी की है, ये समझकर उन्हें लाकर दे दी। बहुत अच्छे लड़के हैं, सच कह रहा हूँ। अरे रे रे रे, कैसे हैं ये लड़के लोग, यहाँ भी आके इन्होंने नई कहानी कर दी। आई मांडिया के लड़के लोग हैं, न्याय की बात करो तो न्याय की ही बात करेंगे। चुपचाप कुछ प्लान बना रहे हैं, इनको पता ना चले, इससे अच्छा है कि यहाँ से चुपचाप। क्यों क्यों परमेश्वर, सुना है तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है? आज तक मैंने मेरी बीवी को कभी हाथ भी नहीं लगाया। ये तो हम सबको पता ही है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मामा, मियां बीवी का झगड़ा मामूली है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया। कब कौन सा फैसला ले लिया, सब फैसला तो तुम लोग ही ले रहे हो। पर कौन सा फैसला बताइए तो। तुम लोग यहाँ बात करते हुए खड़े हो और अपने परमेश्वर ने बीवी के साथ झगड़ा करके फांसी लगा ली है। अरे परमेश्वर ये क्या हो गया तेरे साथ? अरे सिर्फ अपनी किताबों को कुमकुम लगा रही है, इसके किताबों को भी लगा। क्या माँ, कितने साल तक एक ही किताब को टीका लगाऊं? रानी बहना। क्या है भैया? क्या बहना, पूजा करके किताब को तिलक लगा रही है? बात क्या है, आज इतने अच्छे से बात कर रहे हो? अब कोई काम करवाना है क्या? अरे तूने पेंसिल मांगी थी ना, ये देख दो लेके आया हूँ, वो भी रबर वाली। ये देख लकड़ी की स्केल, प्लास्टिक स्केल। ये सब मेरे लिए लाए हो? ज्योमेट्री बॉक्स, परीक्षा का पैड, ये देख। हाँ? ये क्या भैया, दो लाइन की जगह चार लाइन की नोटबुक लाए हो? अरे ये बता, बड़े लोग क्या पैदाइशी ही बड़े हो गए हैं क्या? अरे वो तो ऐसे ही दो लाइन चार लाइन लिखने के बाद ही बड़े हुए हैं। अगर तुझे भी बड़ा बनना है तो इसमें लिखना है बहना। ये क्या भैया, ये तो फर्स्ट ईयर की नोटबुक है। बहना जैसा इस नोटबुक में लिखा है ना, वैसा ही देखकर इस नोटबुक में लिख दे। ऐसा क्यों? अरे ऐसे ही लिख देना। लेकिन क्यों? अरे लिख कर देना बहना, शोना है ना तू, शोना। ओहो इतना मस्का इसलिए लगा रहे हो, मैं नहीं लिखूंगी, मेरा हाथ दुखने लगेगा। प्लीज लिख कर देना, तू मेरी शोना है ना, लिख कर दे।
अभी सोना सोना बोल के मस्का लगा रहे हो और बाद में पगली पगली बोल के टपली बजाओगे। कसम खा कर बोलता हूँ आज के बाद नहीं मारूंगा। सच बोल रहे हो? लिख कर देना मेरी सोना। ठीक है तो मैं लिख कर दे दूंगी। अरे मेरी सोना लिख कर देना। हाँ अरे वाह वर्कआउट हो गया। वाह अरे चल उठ जाना। आप बोले थे नहीं मारूंगा तो क्यों मारे? चार ही तो पेज बचे हैं, लिख देना, लिख दे लिख दे। होशियार है ना तू? हाँ बहुत होशियार है, होशियार है। हाँ। नमस्ते पार्वती माँ। तुम क्या लिख रहे हो भैया? कुछ नहीं, लिख कर देख रहा हूँ, बना कर देख रहा हूँ, दिमाग खपा के देख रहा हूँ, लेकिन कुछ जमी नहीं रहा है। अरे तू लिखना बहना, तू लिख। हाँ फिर सीधे जाएंगे। अरे रे वो तो यहीं पर बैठा है, तुम लोग जाओ मैं बाद में आती हूँ। उसने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ठीक है चलो। ओए 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 रुक जा। तुम्हारी बात सुनकर दूसरी नोटबुक मैडम के पास रख दी, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गारंटी आज मैडम से बहुत डांट पड़ेगी। पूरी रात में लिखती रही फिर भी सिर्फ 20 पेज ही लिख पाई। हाँ ये कौन सी नोटबुक है? अंदर देख पता चलेगा। इसमें तो मेरा नाम लिखा है, ये मेरे लिए है। तेरे लिए। डायग्राम भी बनाया है, किसने लिखा ये सब? मैंने। हाँ ऐसे क्यों देख रही है? रात भर बैठकर अपने हाथों से लिखा है मैंने। तूने बोला था ना कि 10 बजे तक तू सो जाती है, मुझे पता था गारंटी से तू लिख नहीं पाएगी। एक तो मैंने ही आइडिया दिया है और तुझे मैडम से सुनना ना पड़े, इसलिए रात भर बैठकर मैंने एक एक लाइन लिख के दी है। थैंक्स। आप लोग कैसे हो? हम सब ठीक हैं। वो कैसे हैं? वो क्या है जी, आपसे शादी करने के बाद वो बहुत खुश है। हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही रूम में रहते हैं। उसने कहा है मार्च में आऊंगा। बेटा कंप्यूटर क्लास कर रहा है ना। उसने कहा था कि जाते समय हमारे बेटे के लिए लैपटॉप लेकर जाना। लेकिन आते वक्त मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। लोटा थोड़ा टेढ़ा है इसलिए देख रहे हो, हमारे घर में कोई भी चीज ठीक नहीं है, सब टूटी फूटी है। इतना पैसा भेजता है वो, उसके बाद भी घर की हालत ठीक नहीं लग रही है। वो क्या है ना, घर बनाने के पैसे से ही तो भैया ने अपनी बाइक खरीदी है। इधर आ तू। टीवी क्यों नहीं फोड़ा, यही सोच रहे हो क्या? पता है क्यों नहीं फोड़ा? भैया ने हाथ में ईंट ली और माँ से पूछा पैसे दोगी या नहीं, और माँ ने तुरंत पैसे निकाल के दे दिए, इसलिए भैया ने टीवी को छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, इस वक्त वो कहाँ है? वो कंप्यूटर क्लास। ये तो रहे भैया, इसे बर्तन पर नाम लिखवाने के लिए कहा था इसलिए वो लेकर जा रहा है। ए, तू इधर आ। ये देख, तू इसे बेचेगा या गिरवी रखेगा मैं नहीं जानता, मुझे अर्जेंटली 500 रुपया चाहिए। वो लेकर मैं जहाँ पर हमेशा पत्ते खेलता हूँ ना वहाँ पर आ जाना। ठीक है जी। नहीं तो अपन जहाँ पर वाइन शॉप में बैठते हैं ना वहीं पर दो क्वार्टर लेके आ जाना। ठीक है, ठीक है, जा चल। ऐसे चले मत जाना, आ जाना पक्का। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ जो कुछ भी हुआ आप उन्हें मत बताइएगा, वो बहुत गुस्से वाले हैं, आप तो जानते ही है ना। इसकी ग्रह दशा सही नहीं है, ये ज्येष्ठ आषाढ़ जाने के बाद श्रावण आने पर वो टॉप पर रहेगा, ऐसा मुझे ज्योतिषी ने कहा है। आप देखना ये जरूर टॉप पर आएगा। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। क्या है? ये कौन सी नोटबुक है? देख ले। गोली NC-37, ये कौन सी जोड़ी है? अरे जोड़ी होगी ना, पूरी नाइट बैठकर लिखी है और तू बोलती है कि जोड़ी नहीं होगी, कमाल है। होगी यार, इधर ला। ये देख, ये हो गया ने, ये दीर्घ, इसको लगा त, तो ये हो गया पूरा नेत्रा, बन गया
सुपरमैन ना? ये क्या, ये तो मेरा नाम है। गोली जो नाम है वो मेरा और नेत्रा जो नाम है वो तेरा, हम दोनों के बीच में। अरे रे, अरे मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसे ही चली जा रही है क्या? मजाक कर रहा हूँ ऐसा समझ रही है? अरे मैं तेरे से सच में प्यार करता हूँ, कल आकर मुझसे शादी करनी है ऐसा बोलना है तुझे? अगर नहीं बोलेगी ना तो इसमें जो लिखा है ना नेत्रा और गुली की जोड़ी, हाँ वो पूरे स्कूल में, बस स्टैंड पे, वाटर टैंक, सब जगह लिखकर चिपका दूंगा। हाँ कल तुझे आकर बोलने का है कि तू मुझसे शादी करेगी ही करेगी। हाँ यहाँ गौड़ा जी कौन है? वो है। ओ गौड़ा जी कौन है पहचाना नहीं? अरे मैं धान खरीदने के लिए आया हूँ। अच्छा, आइए आइए बैठ कर बात करते हैं, आइए। बताइए कैसा धान चाहिए? गुली NC-37 नाम का एक धान आया है, मुझे पता चला वो यहाँ पर आया है इसलिए मैं यहाँ लेने के लिए आ गया। मेरे पास IR-20 है, MR-132 है, CR-1009 है। ये गुली NC-37 ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। अरे क्या गौड़ा जी ऐसा कह रहे हो, ये नया माल आया है और आपके पास नहीं है, आपको शायद पता नहीं है। ठीक है कल मिलते हैं। कमाल है, इतना धान बेचते हो फिर भी। हेलो ये कौन सा है? IR-20 गौड़ा जी अगर वो आ जाए ना तो हमारे लिए निकाल कर रखना, आगे भविष्य में बहुत काम आएगा। बेटी इधर आओ। हाँ? गुली NC-37 ऐसा कुछ? अरे पापा ये गुली NC-37 ऐसा कोई नया? नहीं पापा। अरे बेटी गुली NC-37 ऐसा कोई धान है क्या, तुम्हें पता है कि नहीं? नहीं पता पापा। अच्छा तुम जाओ। देखो मेरी बेटी को भी नहीं पता, लगता है किसी ने आपको गलत बोला है, आप 2-3 जगह पूछ लो, मैं भी पूछ कर देखता हूँ। तुम्हारे ही खेती का और तुम्हें नहीं पता ससुर जी? अब चलता हूँ गौड़ा जी। ठीक है ठीक है। गौड़ा जी अरे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी तो पिलवाओ। बेटी जरा इसे पानी पिला दो। पूरी रात बैठ कर लिखता रहा, अगर सुबह तक तूने नहीं बताया ना तो उसके बाद मैं सबको बता दूंगा। ए, लफंगा। अरे सुनो जरा इधर आओ। बोलिए गौड़ा जी। कौन से गांव के हो तुम? डोडा सिंकरे। डोडा सिंकरे? हाँ। अरे भाई आपके ही गांव में मार्केट में गए हुए मेरे बैलों को पूरी रात काम करवाया था। अरे क्या कह रहे हो गौड़ा जी, आपके बैलों को किसी ने मार्केट से चुरा लिया था? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। जिम्मेदारी नहीं है कमीनों में, वो तो हमारे गांव का नाम बदनाम कर रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में अपनी जिम्मेदारी से एक नया धान मांगने आए हो तुम, मगर आपके गांव में कोई कमीना ऐसा करेगा, अगर हमें पता चल जाता ना तो कहानी कुछ अलग होती। अच्छा सुनो सुनो जरा इधर आओ। क्या हुआ गौड़ा जी? ए माधव जरा इधर आओ। अरे बाप रे, वो अपने बैलों से सारी रात किसने काम कराया था जरा बताओ। ये उसी गांव का है, इनको बताओ ये कुछ मदद करेंगे हमारी, बताओ। अब पकड़ा जाएगा। तो कौन है वो, मुझे बता कौन है, बस एक बार बता दे। गौड़ा जी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, एक बार वो मेरे हाथों में आ गया ना उसकी हवा टाइट कर दूंगा मैं। हाँ तुझे मैंने पिलाया है, खाना खिलाया है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रख और मेरे बारे में कुछ बोल मत, चुपचाप रहने का, एकदम समझ गया ना? ए, अरे डर मत, अरे गौड़ा जी मैं हूँ ना, ए डर मत बता दे। हाँ। अरे पूछ रहा है ना बता देना। ये तो वो मैं वही है ना, मेरे जैसा ही दिखता है ना, अब मुझे पता चल गया वो कौन है, मुझे पता चल गया। अरे तू इधर आ। अरे तुझे मैंने नहीं बताने के लिए बोला था, लेकिन तूने तो सीधे सीधे भांडा फोड़ दिया। तेरे हाथ पर तोड़ के गर्म पानी में फेंक दूंगा तुझे, समझ गया ना? अभी अपना मुंह बंद रख, समझा? हाँ गौड़ा जी चलता हूँ मैं। हाँ, अपना मुंह बंद रखा, कुछ भी कर नहीं बचेगा, सजा तो मिलेगी ही। अरे रे ए, ये क्या है? मुझे कुछ नहीं पता है। वो क्या है ना, NC-37 नया धान आ रहा है, लगता है ये उसी का प्रचार किया हुआ। ऐसा है क्या? फिर जोड़ी का मतलब क्या है? इन दोनों को मिलाकर फसल पैदा करोगे तो बहुत अच्छी फसल होगी। जहाँ जहाँ पर मैंने लिख के रखा है वहाँ वहाँ पर तूने पढ़ तो लिया ना, शाम तक का ही टाइम है।
क्या हुआ है उसे? मैंने पूछा पर कुछ बता ही नहीं रही। मुझे टीचर नहीं बनना है, टीचर नहीं बनना है, यही रटे जा रही है। क्या प्रॉब्लम है तुझे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडमास्टर ने कुछ कहा क्या? तनख्वाह कम है ये सोच रही हो क्या? तुझे हम क्या कमाने के लिए भेज रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है? गुड मॉर्निंग सर। बैठो बैठो। हे इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? मंदिरा। तुम सतीश टीचर को जानती हो ना? हाँ जानती हूँ सर। जाओ उन्हें लेकर आओ। जाओ। सुनिए, कौन है आप और क्लासरूम में क्या कर रहे हैं? हे, तेरा नाम सतीश है क्या? मैं इस क्लास का क्लास टीचर हूँ। हाथ नीचे करके बात कर। क्या गुंडागर्दी है ये? कहा ना हाथ नीचे कर। पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। हे, हाथ नीचे करके बात कर बोला ना। स्वामी शरणम, स्वामी शरणम। तू पुलिस को फोन क्यों लगाएगा? मैंने लगा दिया है, बात कर, बात कर। नमस्कार सर। सर बताइए कौन है? कौन है ये? पालती जी के सास का बेटा है। अच्छा, ये आदमी खतरनाक है, इसे कुछ भी बोलकर यहाँ से भिजवा दो। हाँ सर, आप मालती के सास के बेटे हैं, मालती तो हमारी बेटी की तरह है सर। आप यहाँ पर क्यों आए सर? सतीश के फ्रेंड राजेश को हम समझाएंगे ना सर। हाँ। आप जाइए, आप जाइए सर, जाइए। हे, तू क्या करेगा, कैसे करेगा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कल से वो लड़का स्कूल के सामने नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखा तो तू नहीं दिखाई देगा। आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद वो नहीं आएगा। बच्चे आप लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ओहो, थोड़ा भी डर नहीं है ना? जाओ जाओ, रात को पूरा नाम लिख दूंगा, जाओ। जाओ जाओ, रात को पूरा नाम लिख दूंगा। अरे रे, उसने कहा कि रात को पूरा नाम लिख देगा, अगर लिख दिया तो मेरा क्या होगा? अरे चुपचाप सो जाओ ना, क्या कर रहे हो? ये इसके साथ क्यों जा रही है? रुक जा। हाँ, तू मेरे बारे में तो जानती है ना? वो क्या तेरा बॉडीगार्ड है? अपने गांव से गुंडा लाकर मुझे धमकाएगी। मैं किसी गुंडे को लेकर क्यों आऊंगी?
वो तो मेरे भैया है। भैया है तो उससे मेरा जमता नहीं है। सब जगह नाम लिखने वाले थे, कहीं नहीं लिखे। हाँ लिखने वाला था, लेकिन सोचा जवान लड़की अब पढ़ाई रुक जाएगी, ये सोचकर मैंने छोड़ दिया, समझे। वैसे आज बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हैं तुमने। हाँ वो मुनेश्वर के लिए पहना है। मुनेश्वर के लिए माला भी पहनी पड़ती है क्या? बातें तो बहुत अच्छी करती है, शादी करूंगी ऐसा कब बोलेगी। वो तो मैं कभी नहीं कहूंगी। सीधे करूंगी। मल्ली वल्ली मैदान में मैच हो रहा है, चलना हम भी खेलते हैं। जा बे पागल, मेरे पास पीने का पैसा नहीं है तो उसकी व्यवस्था कैसे करूं ये सोच रहा हूं, और तू इसीलिए तो खेलने को बोल रहा हूं। हम क्रिकेट मैच करवा रहे हैं, ये बोल के पीने का इंतजाम कर। अरे यार क्या बोला है तू बाप। क्या चाहिए सर? इस भाई को क्या चाहिए बोल दो। नमस्ते। नमस्ते। अपने शहर में एक बड़ा क्रिकेट का मैच होने जा रहा है, उसके लिए चंदा चाहिए। ये क्या भाई, बात बात में रसीद लेकर क्या जाते हो? चाकू के बदले इस बार रसीद लाए, चुपचाप पैसा निकालो। भाई आपकी परेशानी क्या है, 21 रुपए दे देता हूँ। ए तेरे बाजू की दुकान वाले ने 201 रुपए दिए हैं और तू कहता है इतनी बड़ी दुकान का मालिक होके 21 रुपए देगा? अरे अच्छे काम के लिए मांग रहे हैं, खुशी खुशी से दे दो। भाई का दिल छोटा है समझ रहे हो क्या? अरे भाई तुम दे दो ना यार। ठीक है 51 लिख लो ना। ए, अरे कैसे लोग हो यार तुम लोग, क्रिकेट के नाम पे पैसा वसूल करते हो। नहीं नहीं अपने को नहीं जमता। गलत है, गलत है, गलत है। हाँ, हाँ, हाँ। इस बार कबड्डी के नाम से वसूल करेंगे। क्या हुआ, रोता क्यों है? अरे रोता क्यों है यार? ये लव कर रहा है यार। ऐसा है तो रोना ही ठीक है, प्यार करने वाले हमेशा इसी तरह से रोते हैं। बता वो लड़की कौन है? अपनी प्रियंका, जिस स्कूल में है ना उसकी स्कूल टीचर से इसे प्यार हो गया। टीचर से? टीचर बोतल से। गांव कौन सा? चिकर सिंगरी। ये कौन है यार, तुझे दूसरा गांव नहीं मिला क्या? अरे उन लोगों के साथ अपनी जमती नहीं है। वो लड़की तुझसे प्यार कर दी है? उसकी तरफ से कुछ नहीं है यार, यही लव आके नाकन सब कुछ मिला रहा है। थू लोफर। साइलेंस साइलेंस। देख यार तू उस लड़की से प्यार करता है, माँ की कसम खा के सच्चा प्यार करता है। सच्चा प्यार करता है? ठीक है बस छोड़ा। देखो मैं अपन के यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, उस लड़की को भगा ले जाकर तेरे से शादी करवाऊंगा। अपने दोस्त के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या हुआ? समझाऊंगा तो समझेगा नहीं? समझ लिया क्या? एक बार में समझ में नहीं आता तेरे को? एक बार समझ कर देख तो ले। समझने बैठूंगा तो मेरी समाज समझ से बाहर हो जाएगी। चलो निकलो यहाँ से। काट के रख देंगे तेरे को। क्या यार अभी तक रो रहा है तू? तू मत रो रे। अरे इसको उठाओ यार, सीधा स्कूल टीचर के पास ले चलते हैं। अरे आज संडे है मेरे भाई। संडे है तो क्या हुआ? अच्छा चलो सीधा उसके घर चलते हैं, चिकन सिंगरी चले जाते हैं। पेट्रोल नहीं है। अरे चलो टैक्सी मंगा कर चलते हैं, मैं देख लूंगा ना। वहाँ तक नहीं जाएगी। अच्छा वहाँ तक नहीं जाएगी, पैसे भी नहीं है। कौन है यहाँ पर? पिछले आधे घंटे से ऐसे ही बैठा हूँ, फोकट में नहीं पी रहा, जल्दी चखना लाओ। तुमको पैसे ही चाहिए ना? ठीक है मैं इंतजाम करता हूँ, तुम लोग तैयार रहना। इंतजाम कर रहे हैं, हम तैयार रहेंगे। ये तो इंतजाम कर गया, एक और पी लेते हैं। हाँ भाई नमस्ते। इतनी देर तक कहाँ था? सॉरी भाई, क्या चाहिए आपको? एक चिकन फ्राई, एक मटन फ्राई, एक पानी की बोतल, 2 ग्लास, जल्दी लेकर आओ। ठीक है, पैसा भाई? पैसा? अच्छा ठीक है ये लो,
हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन जल्दी लेकर आना। ए भाई के लिए चिकन फ्राई, मटन फ्राई, एक बिस्लरी वाटर और दो ग्लास। अबे ठीक से पकड़ यार, ठीक से पकड़। क्या कर रहा है तो मुझे आवाज देगा। तू ही उस दिन मुझे घूर रहा था ना। अरे गोली, पता है ना ये मारेगा तो छह महीने तक सोते ही रहने दे, छोड़ ना। तू बता यार। अरे आई लव यू। तू मेरे यार, आजा आजा आजा, रोक मेरे यार, रोक तेरे। अरे कोई अरे मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त। क्या गोली, आज इतनी पी रखी है तूने। अरे यार तू कहाँ गया था? अभी तो एक घर में फंक्शन खत्म करके आ रहा हूँ भाई। वो सब छोड़ो, ये इतनी पी करके यहाँ सड़क पे बवाल क्यों कर रहे हो तुम? वो सब हमको पता है, समझा? चल तू गाड़ी निकाल। कहाँ? क्यों नहीं बताऊंगा तो गाड़ी नहीं लेके जाएगा क्या? अरे मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा तो तू इतनी जल्दी गाड़ी का ओनर बन गया? तू गाड़ी नहीं देगा तो यहाँ मुझे दूसरी गाड़ी मिलेगी नहीं क्या? देखने का है, इस पूरे मंडिया डिस्ट्रिक्ट में अपन की सिर्फ एक ही आवाज है। मेरे यार लोग अपने अपने गांव से यहाँ पर गाड़ी लाकर लाइन में खड़ी कर देंगे। दिखाऊ क्या? बुलाऊ क्या? बोल, दिखाऊ क्या? बोलना। क्या यार गोली, तू भी ना, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। ऊपर क्या है जरा देखना। क्या है? हाँ ना, इसे जरा दुकान में फेंक करके आता हूँ मैं, अभी जाने दे। अरे वो तुझे ही खोलना पड़ेगा क्या? ए, उसको निकाल के डिक्की में फेंक। क्या कर रहा है यार? उतर उतर। ओ टेंगे, तू आके उतार ना। उतार। अरे क्या यार, डाल दे इसको। अरे यार क्या बे, कहाँ जाना है तुझे? ए, काम है, चल बताता हूँ। कौन सा काम है यार, गाड़ी कौन चलाएगा? ए, तू गाड़ी चलाएगा तो काम कौन करेगा? अरे भाई, चला। काम तो बोलना। ए, बताता हूँ तू बैठ। चल चल, तू भी बैठ, चल चल। अरे तू जानता है अपने चिंगम को ना किसी से प्यार हो गया? जब तुझसे पचती नहीं है तो इतना पीता क्यों है? आजा आजा, ए गुली, वही है। ए गुली, कौन है तुम लोग? लेकर आओ उसे। खुद को क्या बॉडी बिल्डर समझता है? काट के फेंक दूंगा तुझे। मेरे से पंगा मत लेना, खतरनाक आदमी हूँ मैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे बचाओ, बचाओ। दोबारा सुनना मत मेरे इलाके में। मेरी बात तो मानो। अरे यार बोल रहा हूँ। अरे मेरी बेटी को उठाकर ले जा रहे हैं, कोई तो बचाओ। अरे क्या हुआ, कोई तो मेरी मदद करो, मेरी बेटी को उठाओ। भैया को फोन कीजिए। जल्दी करो जल्दी। हाँ बोलो। सीनू कहाँ हो तुम? मार्केट में हूँ, बोल क्या हुआ? क्या है ना, अपनी मालती को। क्या बोला, ठीक से बोल। वो लोग आकर यहाँ पर मालती को कार में किडनैप करके ले गए हैं। क्या बक रहे हो, कौन थे वो लोग? वो गुली के गैंग वाले हैं। किस तरफ गए? कार का नंबर देखा क्या? किसने कार का नंबर देखा क्या? नहीं नहीं देखा। मलिक मलिक रोड से जाना है तो टोल नाका पार करके ही जाना होगा। तुम लोग वहाँ पर पहुँचो, मैं वहीं आता हूँ। हाँ ठीक है। हे गुले, हम इसे उठा कर लाए हैं, सब लोगों ने देखा है। वो हमारा पीछा करते होंगे, इसलिए चुपचाप टोल गेट की तरफ चलते हैं। ए, टोल गेट की तरफ ले चल। हेलो भाई। हेलो, क्या बात है भाई? मेरी होने वाली पत्नी मालती को कुछ लोग किडनैप करके कार में ले जा रहे हैं। कहाँ पर? टोल गेट के रास्ते से। तुम लोग उसे बंद कर दो। फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा भाई। अरे यार आज रात को राजेश और उसकी गर्लफ्रेंड को पंप हाउस पे छोड़ देते हैं, बाद में भेजेंगे तो भी नहीं जाएगी। क्यों पूछ? क्यों? वही अपना कल्चर, वही अपना रिवाज, और वो भूल गया मैं। अच्छा क्या बात कर रहा है तू? यहाँ पकड़े जाने का डर लग रहा है और तू कल्चर की बात कर रहा है? तू चुपचाप बैठ। टोल गेट के रास्ते से जाने के लिए मैं क्या पागल हूँ? दूसरा रास्ता कहाँ से है? अबे दूसरा रास्ता नहीं होगा, लेकिन दूसरा आइडिया है। अरे यार है? गाड़ी में हम लोगों ने माइक सेट करके रखा है ना? हाँ, डिक्की में रखा है ना मैंने भाई। ए भाई, गाड़ी को रिवर्स कर, आने वाले रास्ते से ही चलते हैं।
माइक को ऊपर क्यों सेट कर दिया भाई? अबे बेकार में माइक गाड़ी पे बांधने के लिए मैं क्या पागल दिखता हूँ? कोई मर गया ऐसा अनाउंस करके चलते हैं और क्या। ब्यूटीफुल आइडिया यार, लेकिन कौन मर गया क्या कहेंगे हम? और कौन है अपना पंचायत का परमेश्वर? हेलो 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 हेलो, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, गाना गा लिया। अनाउंस करता हूँ महिलाओं और मेरी प्यारी औरतें और लड़कियां, मर्द लोगों को नहीं बता रहा हूँ तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है? ये पंचायत परमेश्वर की मौत का प्रचार है, कोई भी भूलिएगा नहीं, सब आइएगा। चिंकर सिंकरी में पैदा होकर, डोंडो सिंकरी में बड़ा होकर पंचायत परमेश्वर आज चल बसा है, हम उनका प्रचार कर रहे हैं, सब लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए आना, ये मेरा आप सबसे विनती है, जरूर आना। ए, तुम लोग तो आ गए, बोलो कहाँ है? ज्यादा बकवास मत करो। छोड़ने के बाद यहाँ इतने लोग क्या कर रहे हैं? कब से इंतजार कर रहे हैं, कार कोई नहीं आई। हम उसी रास्ते से आ रहे हैं, शायद दूसरे रास्ते से गए होंगे। दूसरा रास्ता कहाँ है, कहाँ से जाएंगे? तो फिर बोलो कहाँ चले गए? मतलब माइक में अनाउंस करने वाले वही लोग थे। ए, चलो रे उनके पीछे, चलो 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 चलो, ढूंढते हैं। महान लोग, महिला लोग, ये बहुत ही दुख की बात है। ठंडी है भाई चांदनी, सुहानी है मेरे दिल। क्या हुआ रे, मैं गा रहा हूँ तो चलते चलते नहीं सुन सकता है क्या? जो तो रुक के सुनना चाहता है। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या? क्या, अरे तुम मर गए हो ऐसा कोई माइक में बोल रहा है? ये क्या बोल रहे हो तुम? कान खोल कर ठीक से सुनो। शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा आदमी है। ऐसे जाइए, लड्डू पेड़ा बर्फी जो मन करे वो खाइए। मैं चुप रहा तो इन्होंने मुझे मारा घोषित कर दिया, हार भी पहना देंगे। अलग लोग, तुम लोगों ने मुझे कितना परेशान किया, आज के बाद मैं तुम्हारे इस गांव में कदम तक नहीं रखूंगा। अरे ये क्या हो रहा है, अरे गाड़ी हिल क्यों रही है, लगता है पंचर हो गई है बे। अबे दूसरी स्टेपनी नहीं है क्या? अरे अब क्या करेंगे? अरे बाप रे, निकल लो, अरे तेरी स्टेपनी लगे नहीं। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे अबे यहाँ बैठ कर क्या कर रहा है, भाग नहीं तो काट डालेंगे तुझे साहब, भाग 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 भाग। अरे यार ये खेत में से कहाँ लेकर आ गया? अबे रुक तो, अरे रुक तो, ए बोला तो रुकता क्यों नहीं है? ए गुली गुली क्या कर रहा है यार ये, क्या? अरे चल चल, अरे चल चल चलना चल। अरे पैसेंजर बैठा है यार। अबे चुपचाप चलना, मैंने देखा नहीं है क्या पैसेंजर को? सॉरी सर, आप बुरा मत मानिए, आप अपनी जगह पर पीछे बैठे रहिए, मैं आगे बैठा रहूंगा, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अरे वो आनंद है ना, उसको तो मैं टैक्सी स्टैंड पे ना काट के फेंक दूंगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ, अरे वो अपना राजेश है ना, वो राजेश किसी टीचर लड़की से प्यार करता है, हमारे पास आकर हमारी शादी करवा दो ऐसा बोल के रो रहा था। अब हमने कितनों की मदद की है तो सोचा है इसकी भी मदद कर देते हैं। ये सोचकर हम लोग उस लड़की को भगाने के लिए उसके घर के अंदर घुस गए। फिर क्या हुआ? वहाँ जाकर देखा तो लड़की शुरुआत से चिल्लाने लगी। कुछ भी करके मैंने उसको उठा लिया। फिर क्या? अरे वो कमीना आनंद की गाड़ी सीधे पंक्चर हो गई यार। फिर? अरे फिर क्या, पीछे मुड़कर देखा तो पूरा गाँव हमारे पीछे पड़ा हुआ था, तो हम लोग भी डर कर अलग अलग रास्ते से सीधे भाग गए। अरे मैंने जितनी पी हुई थी ना, पूरा नशा उतर गया। फिर भी मुझे दुख हो रहा है यार, लाइफ में ना फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरा बनाया हुआ प्लान फेल हो रहा है, फर्स्ट टाइम। हाँ सर, फर्स्ट टाइम सर। पिताजी, पापा, पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या हो जाएगी, आ जाएगी। अरे वो देखो आगे तुम्हारी बेटी, बेटी मालती, ये क्या हो गया, कौन ठीक है ना? ले गया था सासुमा, सासुमा ये आप क्या कर रही हैं? तुम रो नहीं, तुम क्यों रो रही हैं? रो नहीं, मैंने कहा ना, अगर ऐसा कुछ किया तो लोगों का नाश हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चलो अंदर आ जा यहाँ पे। ए सीनो, देखा उनकी हिम्मत, हमारे गांव में आके वो लफड़ा कर रहे हैं और तुम चूड़ियां पहन के तमाशा देखो।
तुम सबने अपने गांव के भगवान को उस गांव में छोड़ दिया, इसलिए ऐसा हो रहा है। 30 साल उस देवी की मूर्ति अपने ही गांव में थी, तब तुम लोग छोटे छोटे थे। एक दिन अचानक अपने गांव के मंदिर से वो मूर्ति गायब हो गई। उसके बाद देखा तो वो मूर्ति हमें नहर में मिली। ऐसी बात पूरे गाँव में फैलने लगी। फिर हम गए पूछने, उन लोगों ने कहा हमारी है। हमने कहा कि हमारी है। समस्या बढ़ती गई तो एक दिन पास के गांव का प्रेसिडेंट आकर फैसला किया कि 6 महीने उस गांव में और 6 महीने इस गांव में। हमने कहा ठीक है, 6 महीने वो लोग रखे मूर्ति और 6 महीने हम रखेंगे। एक दिन हम वहां गए तो वो लोग कहने लगे, कौन सा भगवान, कैसा भगवान, किसे लेने आए हो? तलवार निकाल कर लड़ने लगे वो। यहाँ बात कुछ और है और आप कुछ और बोल रहे हैं। hey! क्या फालतू की बकवास कर रहा है तू? चलो भाई चलो, शांत हो जाओ। 6-7 साल में हम सब ये बात भूल गए हैं। अब हमारे बच्चे उस गांव के कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। अभी फिर से दोनों गांव के बीच ऐसा झगड़ा सही रहेगा क्या? क्यों, वो लोग बड़े लोग हैं इसलिए डर रहे हो क्या? आज छोटी गलती की है तो कल बड़ी गलती करेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। है कुमार, है कुमार, गाड़ी निकालो, पुलिस स्टेशन चलते हैं। पिताजी क्यों शोर मचा रहे हैं? तुम चुप रहो, मेरी बात आपकी समझ में नहीं आ रही। सामने आ। क्या हुआ? यहाँ पंचायत चल रहा है क्या? उनके साथ क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। जाओ जाकर सब अपना अपना काम करो, चलो जाओ। माँ, वो ममता प्लेट लेकर गई थी ना, वो वापस ही नहीं दे रही है। क्यों रे? पता नहीं, हमेशा ऐसा ही करती है, जब चाहिए तब चीजें लेकर जाती है लेकिन लौटाने का नाम ही नहीं लेती। ये कैसी आवाज है रे? माँ, पापा आए हैं। तेरे पिताजी, ये क्या जी अचानक आ गए, कुछ खबर ही नहीं दिया आपने। घर को ऐसे ही छोड़ दिया? मैं पैसा भेजा उसका क्या किया? इतनी मेहनत से कमा कमा के पैसा भेजा क्या? झगड़ा मां बेटा ने उसे मिलकर बर्बाद कर दिया। सुनो, ये सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम पे लिख के तुम लोगों को मैं बीच सड़क में फेंक दूंगा। ऐसा नहीं किया तो मैं मर्द नहीं। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। सुनो, अगर आधा घंटे में वो मेरे सामने नहीं आया ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। अरे अरे सुनिए, अरे छोड़ो मुझे। देख, हमें ऐसे ही चुप रहना है, इनका गुस्सा नहीं ठंडा होने वाला। मैं फांसी लगाने का नाटक करूंगी, तू पूरे गाँव वालों को इकट्ठा कर ले। अरे उस दिन आप ही ने कहा था ना कि मेरा बेटा मर गया। अरे आपके दिल को ठंडक मिलेगी क्या? मैं नहीं जीऊंगी, मेरा बेटा नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगी? तुम दोनों अच्छे से रहो, मैं जा रही हूँ, मैं जान देने जा रही हूँ। यहाँ किसी को मेरी परवाही नहीं है। अरे अभी तक नहीं आया कोई? अरे मैं मर जाऊंगी तब तुम्हें शांति मिलेगी, तुम लोग शांति से रहना। दरवाजा खोलो। अरे बहन दरवाजा खोलो, ये क्या कर रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तू ऐसा कर रही है? उतारोगी तेरे बेटे ने जो भी किया उसे देखकर तू ही बता, क्या मैं चुप बैठूंगा? क्या सही है ये? चुप बैठा जाए क्या? मरना चाहती है ना तो एक काम कर, चल दोनों साथ मरते। मैं तेरी मौत का खेल देखने के लिए दुबई में 7 साल तक मेहनत करके पैसे इसलिए कमाए थे क्या कि ये देखने को मिलेगा? कौन सा तरीका ये? जब मैं दुबई में था और वहां काम कर रहा था तो गांव वाले मुझे देखकर हमेशा कहते थे कि ये कीरा टाका का बाप है, देखो। सिर्फ कान से सुना था इसलिए छोड़ दिया, मगर यहां आके देखा तो माहौल तो उससे कहीं ज्यादा खराब है। ये सब वो जानबूझकर नहीं कर रहा है जी, उसकी ग्रह दशा ठीक नहीं है। ये ज्येष्ठ जाने के बाद, आषाढ़ जाने के बाद श्रावण आने पर वो हमेशा टॉप पर रहेगा, ऐसा मुझे ज्योतिषी ने कहा है। अगर हमने उसे कुछ कह दिया और उसने कुछ कर लिया तो क्या फायदा होगा जी? उस सुवर्णा के बेटे का ऐसा ही हुआ था ना जी, बाप ने कुछ कहा और जहर खाकर वो मर गया। हम सब ये किसके लिए जमा कर रहे हैं जी? उसी के लिए ना, आप देखना एक दिन वो टॉप पर आएगा। दुबई से आए हो ना, मेरे लिए मालिश का तेल लेकर आए कि नहीं? क्या बढ़िया, तू भी। निद्रा, रुको निद्रा,
अरे रुको ना नेत्रा। क्या नेत्रा, मैं तुम्हें इतने प्यार से बुला रहा हूँ और तुम सीधे बिना देखे हुए जा रही हो। क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं। इतने दिन पसंद था, आज पसंद नहीं है बोलोगी तुम? उस दिन जिसे तुम उठाकर लेकर गए थे, मेरी बुआ की बेटी है। जिस दिन तुमने वो गंदी हरकत की थी ना, उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। अरे नेत्रा, वो तो मैंने अपने दोस्त के लिए। उस दिन पता है तुम क्यों बच गए? क्योंकि मेरे भैया का मूड अच्छा था, वरना कहानी कुछ और ही होती। देखो नेत्रा, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। नेत्रा, नेत्रा, नेत्रा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का भी पहचान के परिवार वाला ही है। उस लड़के ने उसे कहीं पर तो देखा है, इसीलिए वो लड़का इसी लड़की के साथ शादी करने के लिए जिद पकड़कर बैठा है। वैसे तेरी और मालती की शादी हो गई तो अभी इतनी जल्दी क्या है बड़े पिताजी? ऐसा नहीं है बेटा, मालती के मामले में फिर से उस लड़के ने अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो। कौन वो मालती कौन है और मेरी क्या लगती है? उसने ये जाने बिना हाथ लगा दिया। वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानता है, इसीलिए गांव के अंदर कहीं छुप कर बैठा है। अरे उसे तो उसके गांव में ही घुसकर काट देता, लेकिन उसके बाद मालती का नाम भी बदनाम हो जाता, इसीलिए उसे छोड़ दिया। उसे एक बार बाहर निकलने दीजिए, किसी ना किसी बहाने लड़ाई करके उसे मार दूंगा। हेलो। हाँ बोल कुमार, कहाँ? ऐसा क्या? उसे छोड़ और आ जा। कहा ना छोड़ दे उसे। क्या हुआ? मंदिर के पास अपने लोगों को गुली की बाइक नजर आई, वहां जाकर उन्होंने देखा तो बाइक पर गुली का बाप था। पूछ रहे थे क्या करना है, मैंने उन्हें छोड़ देने के लिए बोला। तुम चाहे कुछ भी करो, अपने भले के लिए करो। वो लोग साल साल में आकर हमें परेशान करके जा रहे हैं, अपनी दादागिरी चलाएंगे क्या? तुम चाहे कुछ भी करो, कोई भी समस्या आए तो हम बाद में देख लेंगे। ए सिनो, जल्दी आ जा, बेचने वाला खरीदने वाला आया है, जल्दी काम खत्म करके चलते हैं, सब तेरा इंतजार में बैठे हैं। ए, आ रहा हूँ। चलिए बड़े पिताजी। चलो। ए, ये सब क्या है? तेरे और चिक्कर सिंकरी के बीच में समस्या क्या है? कुछ भी तो नहीं। मुझे कुछ नहीं पता है क्या? आग के बिना कभी धुआं उठता है क्या? इज्जत से जीना सीखो। अब तू अपने काम से काम और मतलब से मतलब रखेगा। अपना कैरेक्टर ठीक रखो, तभी तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे। हाँ देखता हूँ वो लोग क्या कर लेंगे। मैंने भी कावेरी का पानी पिया है, हाँ, देख लूंगा जो भी होगा। तुम दोनों को मर जाना चाहिए। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ पता नहीं है क्या? हाँ? मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ। हाँ? उन चिक्कर सिंकरी वालों से क्यों नहीं जम रही है पता नहीं है क्या? बीच में तो सब कुछ ठीक था, फिर अभी सारे जवान लड़के लोग झगड़ा शुरू कर दिए। ये कौन सा तरीका? अरे चलो आप बैठो। पहले वही झगड़ा शुरू करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले जवान लड़ते थे, आजकल तो सारे बुजुर्ग भी लड़ने पे तुले हैं। आप भी ऐसी बात करोगे तो कैसे चलेगा? उन लड़कों को समझाना चाहिए ना। क्या समझाऊं मैं तो सिर्फ नाम का प्रेसिडेंट हूँ, मेरी बात कोई नहीं सुनता। तुम पैसे भेजते हो और तुम्हारा बेटा लड़कों के साथ मजे लूटता है, जब देखो लड़कों के साथ आवारागर्दी करता रहता है। मेरी बात मानो, तुम्हें उस पे लगाम कसनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, वो मेरी वाली लंबी बॉटल लाए हो क्या? ए लिंगा, हाँ मालिक, बीच में क्यों डाल रहा है? कोने से डालना शुरू करना। हाँ मालिक, ऐसे काम करते पता नहीं क्या? ए तेरी माँ कहाँ है? एक तो राव काल भी पास आ रहा है, आसपास में कोई औरत भी नजर नहीं आ रही है, ऐसे में तुम पौधा लेकर आ गए? कहाँ है तेरी माँ? जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए खाना बनाने गई है। अरे बेटे रुको, रुक जाओ। राहु काल शुरू होने से पहले चार पौधे लगाने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, तो ऐसा करना चाहिए। क्या सोच रही है, पौधा लगाना नहीं आता क्या? इतना भी नहीं सीखा क्या? चल कोई बात नहीं, ऐसे ही लगा के चली जा। मुझे पौधा लगाना नहीं आता, ये आपसे किसने कहा? हमारा भी खेत है, मुझे भी लगाना आता है। ऐसी बात है क्या? तो अच्छी बात है, तो फिर चल आजा, चल। हाँ चलो, हाथ धोले। कॉलेज जा रही है क्या? हाँ। धोले, अच्छे से हाथ धो। पता है आपको, इस साल आपके खेत में बहुत अच्छी धान उगेगी। चलिए 100 रुपए निकालिए। 100 रुपए? हाँ। अरे इसकी तो ये मेरे बाप अरे? के पास। यहाँ दिन भर काम करने वालों को भी हम 85 रुपए देते हैं और तू तो 100 मांग रही है। भगवान के नाम पे मांग रही हूँ, मना नहीं करते। चलिए दीजिए। क्या बेटी, भगवान का नाम लेकर हमें डरा रही है? चल रुक, देता हूँ।
चलिए दीजिए जल्दी। मुझे देने चाहिए थे, उसको दे रहे हैं। अरे ये क्या छीन क्यों रही है? ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा? ये फसल की बात है ना। क्यों बोल बात नहीं करेगी क्या? बस करो, मैं सब लोगों के लिए पूरी भाजी लाया हूँ, उसको खा के और चाय पीने के बाद काम करना, आ जाओ। हा? क्या भाई साहब, उस तरफ कितनी अच्छी धान उगी है, वहाँ कोई खास खाद डाले थे क्या? ये बात क्या है, उसको लव भी और ये भी चाहिए? ऐसी कौन सी गलती की है उसने बताइए? दोनों एक दूसरे से प्यार ही करते हैं ना जी। तेरा बेटा और मैं एक ही हूँ क्या? आपने बाहर रहकर ही ये घर बनाया है ना जी, थोड़ी सी जमीन भी ली है, उसे भी बाहर भेजिए, वो भी कमाएगा। वो दुबई में? अगर वो दुबई चला गया ना तो दुबई के सारे अरब समंदर में डूब के मर जाएंगे। मेरा दिमाग खराब मत कर, जाके सामान ले गया। लाती हूँ लाती हूँ। अरे बेटा खाना खा कर जा। नहीं चाहिए, रोज वही तो कहता हूँ, मैं भी बाहर देश में जाके कमाना चाहता हूँ। ए जी, सुना ना आपने, श्रावण आने में अभी सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है जी, तभी ये बाहर जाने की बात कर रहा है। बेटा वो वीजा बना कर देंगे ना? अब जा बोले तो पासपोर्ट नहीं चाहिए? ले लो ले लो। ले ले बोले तो क्या पैसा नहीं लगता? पूरा 2000 रुपया लगेगा उसके लिए। ए जी, ये बातों को घुमा फिरा के कहाँ पे आता है, मुझे सब पता है। ठीक है नहीं चाहिए छोड़ो। बेटा रुक जा। ए जी वो बाहर जाना चाहता है, पासपोर्ट बनवाना चाहता है। पैसे कहाँ रखे हैं आपने? हाथ हटाना। अरे आप खाना खाइए ना, मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ। हाथ मत लगा, ये गोबर की कमाई का पैसा नहीं, इधर उधर घूम के कमाया मैंने। ओहो बेटा जरा सुन तो, पिताजी के पास पैसे नहीं है, ये मंगलसूत्र गिरवी रख कर तू पासपोर्ट बनवा ले। मेरी बात तो सुन। अरे ये पूरे 4 तोले की चेन है, वो कहीं बाहर जाके बेच देगा तो? इतने प्यार से मैंने तेरे लिए बनवाई थी और ये चेन तू उसे दे रही है? वो नाच रहा है तो तुम्हें उसके साथ क्यों नाचती है? अरे दीजिए ना, मैं गिनती हूँ। तुझे 2000 चाहिए ना? ये ले पासपोर्ट बनवा ले बेटा। क्या हुआ? फोटो नहीं खिंचवानी है क्या? इसे फोटो भी निकालने हैं। खिंचवा ले। ये ले 100 रुपए। अब क्या चाहिए? आने जाने के लिए पैसे नहीं चाहिए? इसे जाकर भी आना है ना। ये ले 200 रख ले। ए बस बस जा, अभी जा जल्दी। वो पासपोर्ट ऑफिस जा रहा है या वाइन शॉप जा रहा है, खैर चाहे कुछ भी हो, मेरा तो पैसा जा ही रहा ना हाथ से। आप छोड़िए, आपको डांटे बिना ना खाना हजम ही नहीं होता। मैं सांभर लाती हूँ। नेत्रा रुको ना, नेत्रा रुको ना, नेत्रा वो लोफर कमीना दोनों प्यार करते हैं, ऐसा मुझे झूठ बोला था। छोड़ो, जाने दो। नेत्रा प्लीज प्लीज प्लीज, बोल रहा हूँ ना मैं। नेत्रा तुम हटोगे? अरे वो तो अनजाने में हो गया नेत्रा, आज के बाद तुम्हारी कसम खाता हूँ। नेत्रा मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, आज के बाद ऐसे लफड़े में मैं बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। नेत्रा सच कह रहा हूँ, पीने की वजह से ये सब हो गया है ना, आज के बाद मैं छूंगा भी नहीं उसे, सच कह रहा हूँ। नेत्रा एक मिनट रुको, हाँ बस एक मिनट रुको, हाँ प्लीज एक मिनट एक मिनट।
ये लो। क्या है ये सब? अरे लो ना, बताता हूँ। अच्छा आज मेरा बर्थडे है, ये तुम्हें कैसे पता? बर्थडे? ऐसे ही पता चल गया मुझे। पर ये तो फॉरेन ड्रेस जैसी लग रही है। मेरे पापा दुबई गए थे ना, वहीं से लाए हैं। ये देखो नया मोबाइल दिलवाया है। सिम कार्ड लेने के बाद तुम्हें नंबर देता हूँ। अच्छा ये सब तुम्हारे पापा तुम्हारी बहन के लिए लाएंगे ना? बहन? मैं एक लौता बेटा हूँ। वाह क्या कहा? एक महीना तक तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता हूँ मैं। अरे मेरे पास नया मोबाइल है ना, मैं तुम्हें फोन करूंगी। क्या बात करती है, तुझे फोन करना भी नहीं आता। अच्छा एक आइडिया बताऊँ, गाय को घास चरानी है ये कहकर मैं अपनी गाय को लेकर जंगल में ले आऊंगी, तुम भी अपनी गाय को लेकर वहाँ ले आना, हम मिल लेंगे। क्या कहा? मैं गाय को लेकर घास खिलाने जाऊँ? तू भी ना। मैं भी तो आऊंगी। देखिए जी इस लैपटॉप का 15,000 से ज्यादा नहीं दे सकता है। मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो साहब, 2,500 दिनार देकर खरीदा था इसे। चल चल तो आगे पीछे की सोचो, मैं भी घर बाहर से बंदा हुआ हूँ, मुझे भी तो पैसों की जरूरत है, थोड़ा सोच कर तो बोलो। जी देखा वो गाय लेकर जा रहा है, पहली बार कुछ काम कर रहा है। अरे वो घास खिलाने जा रहा है कि बेचने जा रहा है? आप हमेशा उसके बारे में उल्टा ही सोचिए, कुछ अच्छा मत सोचिए। साहब जी आप तो पैसा दो, क्या आपने दुनिया में कभी इस तरह की माँ देखी है क्या? एक बात बताओ, वो बड़े दुकान वाला कैसे पहचान जाता है यार? हे, तू ऐसे खाने के लिए बैठेगा तो वो पहचानेगा नहीं क्या? ए राजी, राजी गुल्ली कहाँ पर है? भैया गाय को लेकर जंगल गए हैं। अच्छा जंगल चला गया? गुल्ली गाय को घास खिलाने गया है। दुबई का ड्रेस पहनकर आने के लिए बोला था ना तुझे? जंगल में वो ड्रेस पहनकर आऊंगी तो अजीब नहीं लगेगा। हाँ कल गाँव में देवी का मेला है ना, वहाँ मैं वो ड्रेस पहन कर आऊंगी, तुम भी वहाँ आ जाना, कल मिलते हैं। तुम मुझसे मिलने आओगे ना? हाँ आता हूँ, जरा हाथ दे। दीदी, ये भैया कौन है? तुम एक काम करो, गाय को वहाँ लेकर जाओ। अभी वहाँ पर बांध कर आया हूँ। हाँ? तुझे छुपा छुपी खेलना आता है क्या? हाँ। तो खेले क्या? पहले इसको ही बांधेंगे। चलो बच्चा आ जाओ बच्चा। मैं तुझे इस तरह से घुमाकर छोड़ देता हूँ, तुझे ही ढूंढना है, गुम मत हो जाना। चल ठीक है, अब मैं तुझे घुमा रहा हूँ, चक्कर आके गिर मत जाना। घूम 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 जा घूम जा घूम जा बच्चा घूम जा, ढूंढ हमें ढूंढ, चल चल चल। होशियार हो। और अच्छा बहुत दिनों से मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती थी, तुम्हारा नाम गुली किसने रखा था? क्यों? बिल्कुल बेकार है। मेरा नाम गुली नहीं है, जानती हो ना? तो फिर क्या है? नंदीसा। हाँ? ये मेरे साथ जो दोस्त रहते हैं ना, उन्होंने मुझे गुली गुली बोलकर मेरा नाम खराब कर दिया। तुम उन लोगों के साथ क्यों घूमते हो? उन्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आता है, वो लोग तुम्हें भी बिगाड़ देंगे। ऐसा क्या? हाँ। सुना तुम लोगों ने, गुली को अब हम ही लोग बिगाड़ रहे हैं। यहाँ तो गुली को गाय घास खिला रही है। खिलाने दे, खिलाने दे। तुम चाहो तो मुझे नंदीसा बुला सकती हो। मैं तुम्हें पता है क्या बुलाऊंगी? नंदीश, मिस्टर नंदीश। दीदी, भैया। अरे अब तक तो ये ऐसे ही घूम रहा है। भैया कहाँ हो, कहाँ चले गए? अच्छा वो पानी दो तो। हे, वो अंडे वाला गाना तुम्हें पता है क्या? क्या ऑमलेट? वो नहीं, पानी को मुंह में भर के अंडा आने से पहले मुर्गी ने मुर्गे से क्या कहा था, पानी भर के ये गाना है। और गाना गाते समय पानी अंदर भी नहीं जाना चाहिए और बाहर नहीं आना चाहिए। अरे ये कौन सा खेल है, हम चाहे तो दिन भर बोतल को ऐसे मुंह से लगा कर क्या कहा? ये सब इजीली कर सकते हैं। हाँ। अच्छा तो करके दिखाओ जरा, आखिर में ये हाथ में मिलेगा। क्या कहा? कुछ नहीं। मुझे पता था तुमसे नहीं हो पाएगा। ज्यादा ओवर मत करो। भैया मैंने पकड़ लिया, दीदी पकड़ लिया, ए मैंने पकड़ लिया, दोनों को पकड़ लिया। जा 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 जा, चल नीचे बैठ जा। अरे इसको साथ में क्यों लाया? कल अगर इसको साथ में लाओगे ना तो अच्छा नहीं होगा, पहले ही बोल देता हूँ, लेकिन कल आने के बाद मुझे देना। अरे बहुत अच्छा खेला तू बच्चा। ओफो तो जाना, क्यों हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है?
भैया हो गया। क्या अर्जेंट है, कहाँ जाना है तेरे को? मेरा हाथ टूट गया भैया। कुछ नहीं होगा, और जाके चार अंडा पानी लेके डाल। बस ठीक है, आजा आजा। देखो वहाँ पर बैठा है। नमस्कार भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? ओह, दिख नहीं रहा है क्या? मैं ये कूला कर रहा हूँ, कूला। आज से पहले हमने नहीं देखा कि कोई हंडा में पानी भर कर कूला करता है। अबे मैं कैसे भी कूला करूँ, तुझे क्या करना है? ये क्या यार, आजकल तुम हमसे मिल ही नहीं रहे हो। कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, वो गांव से मेरे पापा आए हैं ना, तो बहुत काम है, फुर्सत नहीं मिलती है यार। तेरे बाप के आने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि बेटा तो कितना काम कर रहा है। नंदीशा, मिस्टर नंदीशा, आज के बाद मैं तुम्हें नंदीशा करके नहीं बुलाऊंगी। अंडे से बाहर आने के बाद, अंडे से बाहर आने से पहले मुर्गी ने क्या किया? एक गुली 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 जूनियर सिल्क आ रही है, चल ना। गांव का मास्टर, गांव का मास्टर, हमें भी तो मरके जाओ। एक गुली, चल ना यार, चलते हैं, चल ना यार। गुली पागल हो क्या? पहले से ही चिकर सिंकरी वाले गुली से बहुत नाराज है और इसे ढूंढ रहे हैं। अगर हम लोग सिल्क को देखने वहां जाएंगे ना तो बहुत मार खाएंगे। एक गुली, चल ना यार, प्लीज चलते हैं ना। अरे नहीं यार, गलती हमने की है तो हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं है, छोड़ दे यार, प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल सही, बट वरना मार खाएगा। एक गुली, चल ना यार, चलते हैं। कौन के नीचे बजाऊंगा? बजाना तो बजा, मार मेरे साथ चल। चलेगा ना गुली? अबे तेरी, हाँ हम चल रहे हैं। ए, ये क्या है, नया कार्ड क्यों ले रहे हो? 500 की बाजी लगाई है इसीलिए कार्ड चेंज कर रहा हूँ। ए सीनू, सीनू, सीनू। क्या है चाचा? वो गुली मेले में आया हुआ है। क्या सच कह रहे हो? अरे अरे, तेरे बाप की कसम, तेरी कसम, मेरी कसम, वो आया हुआ है। देख, तुझे मानना है तो मान, नहीं तो मत मान। मैं चला। हाँ। ए कुमार। हाँ भाई। भैया इस साल कौन सी जगह चटाई डालनी है बोलो। ए परेशान क्यों होता है, ये बताएगा ना? तू चुप रह, चुप रह। यहाँ नहीं, वहाँ चल कर बैठेंगे। हाँ, अच्छे से दिखेगा। अरे वो देख, वो नई जो चूड़ीदार पहनकर जा रही है ना, वो मेरी वाली है। वो जहाँ बैठती है ना, ठीक उसके पीछे चटाई डाल देना। ठीक है भैया। यहाँ से पूरा स्टेज नजर आएगा। हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। ये लोग कौन है? वाह, यहाँ से अच्छे से दिख रहा है ना। हाँ देखो, यहाँ से भी पूरा स्टेज दिख रहा है। हाँ हाँ। ए क्यों हमारे पीछे पीछे आ रहे हो? दू क्या है? क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं होगा। नाना एक बच्चे हर सवाल का जवाब देते थे। अरे देखना। चलो चलो चलो, अच्छे से दिखेगा वो, देख वहाँ। अरे आगे आगे क्यों जा रही है? शांति से बैठना, अच्छे से दिख तो रहा है यहाँ से। ये लोग कौन है? बच्चों को हटाकर ये लोग आकर साइड हटना है, बैठने दे मेरे को, हट साइड हट। आप सबके इंतजार की घड़ी आप समाप्त हो गई है, आपके सामने आ रही है स्वप्न सुंदरी। जवाब कौन है? अरे हमने बहुत देखा है, तू अंदर जा, सिल्क को बाहर भेजो। हमारे जान से खुश होकर पंचायत परमेश्वर जी ने हमें 500 रुपए का इनाम दिया है। पंचायत परमेश्वर जी आपके लिए। नहीं नहीं, ये गलत है। अरे मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे दे दिया। पंचायत, एक किलो चावल लेने की औकात नहीं है तेरी, डांस करने वाले को 500 देता है। तेरी बीवी ने कुछ बोला नहीं? ये तो उसी की आवाज है, लगता है ये आसपास ही कहीं बैठा हुआ है। ओहो, इस लड़की को देने के लिए 500 रुपए चंद्र से उधार लिए क्या? आ जाइए घर, फिर मैं आपको देखती हूँ। चल रे, तू चल मेरे साथ, चल ना जल्दी। ना वकील से मिला, ना कोर्ट गया, या तो सीधा डाइवोर्स दिला दिया। बे अपना पैसा खर्च करके मेरा संसार बिगाड़ के तुम्हें क्या मिलेगा? ए गुली, यही है ना जिसके साथ हम लोगों ने खूब मजे किए थे? अरे इसे ही तो लिपस्टिक पाउडर वगैरह दिलवाया था ना। अपने यार और सिल्क की जोड़ी बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही कह रहा है तू, अपना यार और सिल्क की जोड़ी मस्त है यार।
चुपचाप बैठो यार, सिर्फ से बोल रहे हो, चुप नेत्रा, वो लोग पीकर बोल रहे हैं। मेरी बात को समझो नेत्रा, तो ये हमें मार रहा है क्या? चलो यहां से, चलो जाने दे, चल भाई चल रहे हैं। प्लीज मेरी बात सुनो नेत्रा, हटो यहां से। क्या करूं अभी? हेलो, 143 गाड़ी आपकी है? हाँ, क्या हुआ? भाई साहब, उसी रास्ते से देवी की पालकी आ रही है, जरा अपनी गाड़ी साइड कर लीजिए। क्या भाई, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं भाई, मैंने यहाँ गाड़ी रखी थी, दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा तो नहीं कहीं और रखी थी और अभी तुम्हें याद नहीं आ रहा है? नहीं भाई, मैंने यहीं पर रखी थी। अच्छा, वो देखो, वो गाड़ी तो नहीं है। हाँ, वहां कैसे चली गई? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे मंगेतर को हाथ लगाया और उसके बाद फिर दोबारा मेरे गांव में भी आया? मैं कुछ दिनों तक चुप बैठा रहा तो तेरे अंदर का डर निकल गया क्या? हाँ, अभी तुझे दिखाऊंगा कि डर क्या होता है, अभी देखेगा तू। ए, मारो इसे! ए, छोड़ा नहीं उसे! मारो उसे! कहाँ गया वो? ढूंढो उसे! ये क्या हो गया? लाइट क्यों चली गई? बहन, तुमने सुना क्या उस दिन मेले में क्या हुआ? कुछ लड़के वहाँ आए और लड़की को छेड़ने लगे, ऐसा मुझे गांव वालों ने बताया, तुमने सुना क्या? अरे तुम्हें पता नहीं क्या, रात को मेले में नाचने वाली लड़की आई थी ना, सिल्क पलक क्या नाम था, उन्हें भगा के ले जाने आया था। ऐसा क्या? हाँ, छोटी छोटी लड़कियों को उठा कर ले जाना ही तो उसका काम है। ए काव्या, यहाँ मैं रोज आकर उसका इंतजार करता हूँ, ये नेत्रा को पता नहीं है? वो तो तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती। अरे भैया, आपको उस दिन मैच देखने आना चाहिए था, एक बॉल में दो रन चाहिए थे, लेकिन फिर मैंने ऐसे बॉलिंग की कि सीधा उसको बोल्ड कर दिया। अच्छा, बोल्ड? बेटा जरा इधर आ, तो मुंह इधर ला और इधर ला, बहुत बड़ा क्रिकेटर है क्या तू? छक्के पे छक्के मार रहा था। ए, दूध पी के सो जा, फील्ड में आओ, आपकी आँख की गोटियाँ निकाल के बॉलिंग करूँगा। नमस्ते भैया। ए गोली, तू इतना सीरियस क्यों है यार? कुछ नहीं यार। अरे तो फिर तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है भाई? कुछ नहीं हुआ, कह रहा हूँ ना। ए तू चुप करना यार, गोली तेरे को दवाई लेनी चाहिए थी ना? ले लिया। कोई समस्या है तो हमको बताना, हम सॉल्व करेंगे। अरे वो नेत्रा है ना? हाँ हाँ बोल। हाँ, वो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती है। लेकिन क्यों? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि पूरे गांव में NC-37 लिखने का मन कर रहा है। NC-37? अच्छा, ए उस दिन इसने लिखकर दिखाया था ना, ओ उस दिन तू आया ही नहीं था। हाँ। अरे यार, हा? वो NC-37 है ना, हा? उसमें पूरा नाम लिख देना। ठीक है, पूरे गांव को पता चलना चाहिए। हा? और उसके भाई को और उसके बाप को जलन होनी चाहिए। सबको होगी। मारा क्यों? अरे सब इस कमीने की वजह से हुआ है, पी पी कर वहां पर सिल्क सिल्क करके चिल्ला रहा था ना। अबे अकल नहीं है तुझे? और ये भी उसके साथ मिलकर। मुझे जाना नहीं है बोल रहा था, दूं के एक कान के नीचे मारकर फेंक देना चाहिए तुमको। अरे तो छोड़ ना यार तू भी। वो जो जा रही है वो मंजू है ना? हाँ, मंजू और नेत्रा दोनों दोस्त है ना? अरे दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अरे वो लोग कहीं भी दोनों ही साथ में आते जाते हैं। अरे यार, कल मंजू के घर पे कोई फंक्शन है। ऐसा क्या? कैसे होगा? तू दो मिनट चुप बैठेगा? हाँ तू बोल। ऐसा बोलकर
हाँ। बाप और मामा के नाम का सिर्फ एक ही कार्ड छपवाना, ठीक है, और प्रिंट करके सीधा नेत्रा के घर में दे देना, ठीक है। अबे तू चुप करना, आगे बोल। फ्रेंड के घर में तो वो जरूर कैसे भी वहां आएगी ही। ओके। और आएगी तो हमारे खेत से होकर ही आएगी, ठीक है, मैं वहां पे बात कर लूंगा। बराबर। क्यों रे, सुबह से मैं जाने के लिए मना कर रही हूँ और तू जिद पकड़ कर बैठी है। वो मेरी क्लासमेट है माँ, मेरी फ्रेंड है, साथ में पढ़ने वाले सब लोग आ रहे हैं। गायत्री भी तुम्हारे साथ ही पढ़ती है ना, वो क्यों नहीं जा रही? उसे बुखार है ना माँ। कौन सा बुखार? तो क्या मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? तो ठीक है, अब मैं नहीं जाऊंगी। अब तो खुश हो ना, बात खत्म। अरे साथ में पढ़ती है, जाने दो उसे। बेटी तुम जाओ उसके साथ। मेरी बात कब सुनी है आपने? अरे शिवा, गुस्से में दिख रहे हो। वो क्या है सासू माँ, अपनी मालती को लेकर जो कमीना गुली गया था ना, उसके नाम के साथ नेत्रा का नाम पूरे गांव में लिखा हुआ है। हे भगवान, ये तुम क्या कह रहे हो शिवा? या तो वो जानबूझकर अपमान कर रहा है, या फिर नेत्रा भी उसके बहकावे में आ गई है, लेकिन वो स्कूल के आसपास कहीं दिखता नहीं है। जाकर उससे पूछिए कहीं वो लोग रास्ते में तो नहीं मिलते। जाइए पूछिए, तब तक मैं यहीं पर हूँ। हे भगवान, अरे उसकी किसी सहेली का एक फंक्शन है, मैंने ही उसे जाने के लिए कहा, अब मैं क्या करूँगी बेटा? छे, कैसी माँ है आप? सुबह से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था बेटा, वो उसी से मिलने गई होगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो तुम? सामने से हटो, मेरी फ्रेंड के घर में फंक्शन है, मुझे जाना है। ए, कोई फंक्शन वंक्शन नहीं है समझी, मैंने ही तुम्हें यहाँ पर आने के लिए ऐसा कार्ड में प्रिंट करके भेजा है। देख तू मुझ पे गुस्सा है ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन ले। तुम क्या बताओगे, मैं बताती हूँ। उस दिन तुमने मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाई थी और मैंने सच मान लिया, पर तुम तो डांसर को उठा के लेकर जाते हो और पीते भी हो, तुम झूठे भी हो। तुमने कहा था तुम्हारी बहन नहीं है, पर वो भी झूठ निकला, तुम एक गुंडे हो। अनजाने में कह दिया कि तुमसे शादी करूंगी, माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज। ए रुक जा, उस मंदिर में आकर मैंने झगड़ा किया क्या? अरे मैं तो वहां पर आना भी नहीं चाहता था, लेकिन तूने ही आने के लिए बोला था। मेरी वजह से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने अपना मुंह भी छुपा कर रखा था। तेरे भाई ने ही मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं वहां से बचकर निकल आया। जिस दिन मैंने तेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई थी ना, उस दिन से मैंने कोई भी लफड़ा नहीं किया है, पता है? सुनो, मैंने यहां पूछताछ की है, यहां वैसा कोई फंक्शन नहीं है। तुम अच्छे लड़के हो सकते हो, लेकिन मेरे घर वाले तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तुझे भी पसंद नहीं हो? क्या पूछ रहा हूं मैं, तुझे भी पसंद नहीं हूं क्या? नहीं पसंद। बोलिए बड़ी माँ, क्या वो घर पर आ गई? हाँ ठीक है। ए, चलो वापस।
अरे हमारे गांव में जगह जगह जिसका नाम लिखा है ना, वो नेत्रा का ही नाम है। इसका मतलब उन दोनों का चक्कर है। शक्ल से तो कितनी भोली लगती है, सबको बोलती है कि कॉलेज पढ़ने जा रही है लेकिन जाती है लड़के से मिलने। कहाँ है वो? हाँ कहाँ है वो? कहाँ है बताओ? अरे पीछे हटो, रुक जाओ, पीछे हटिए। क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे, अरे छोड़ो मुझे, चलो पीछे। शिवा बात आज उसे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ शिवा, चलो हटो। शिवा से मार दूंगा उसे। ऐसा मत करो। अरे कोई शिवा बचा, अरे मेरी बेटी, हट जाइए मेरे रास्ते से, हटिए। अरे छोड़ो, चलो। कहाँ गई थी तू? तुझे नहीं छोड़ूंगा। कोई इस लड़की को हाथ नहीं लगाएगा। तू भी चुपचाप बाहर जा, बाहर जा, चुपचाप निकल। चलिए बाहर चलिए, चल चल, जाने दीजिए मैटर, छोड़ चल। अपने घर की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ऐसे चिल्लाएगा तो खुद ही सबको बता देगा। उसकी और हमारे बीच में दुश्मनी है, ये सब कुछ वो प्लान करके कर रहा है, सब जानने के बाद भी ये उसके साथ घूमती है। काट के फेंक दूंगा इसे, छोड़िए मुझे। मुझे लगा तुम समझदार हो गए हो, लेकिन तुम तो पागल जैसे चिल्ला रहे हो। चलो मेरे साथ, मैं बताता हूं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं बड़े पिताजी, मुझे मेरा काम करने दीजिए। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, आपको कुछ नहीं पता, हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसीलिए मालती को भगाकर उसने मेरा अपमान किया, और अब मेरी भोली भाली बहन को बहकाकर उसका दिमाग खराब कर रहा है। मुझे सब पता है, मुझे उसका डर नहीं है, उसके गाँव का भी डर नहीं है, तुम्हारी बहन का डर है। अगर वो उसके साथ भाग गई ना तो तुम क्या करोगे? अभी तक जितना हुआ है उतना कम है क्या? इसीलिए मैंने तुम्हें उस रिश्ते की बात पहले ही बता दी थी। मैंने उन लोगों से बात करके फैसला भी ले लिया है, तुम्हारे पिता को बता दिया है, वो भी मान गए हैं। कल मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार अच्छा दिन है, उसी दिन शादी करके खत्म कर दो। उसके बाद तू उसका सिर काट कर ला या फिर मूर्ति लेकर आ, पूरा गांव तेरा साथ देगा, लेकिन पहले शादी के बारे में सोच। हाँ अभी वो यहाँ रहेगा क्या? लाइट चालू है ना, मतलब वो यहीं पर बैठा होगा, चल कर देखते हैं। आजा। ए गुली, तू यहाँ पर इस वक्त क्यों बैठा हुआ है? ए, नेत्रा ने कुछ कहा क्या? तू बोले तो हम उसको घर से उठा कर ले आते हैं। बात क्या है, कहीं तू डर तो नहीं गया? ए गुली, क्या बात है यार? नेत्रा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और कोई क्यों पसंद करेगा बोल, मेरी हर बात तो झूठी होती है। बाप कमा रहा है और मैं बैठकर खा रहा हूं, और क्या, पूरा गांव मुझे फोकटचन करके बोलता रहता है, कौन मुझे पसंद करेगा बोलना। ए गुले, सुनो गुले, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। क्या हुआ यार? अरे वही NC-37 जोड़ी करके लिखा था ना, हाँ, उसमें मैंने पूरा नाम लिख दिया। अरे अब तक तो ये बात पूरे गांव में फैल गई होगी, अब उससे कोई शादी नहीं करेगा। मेरी वजह से तुम दोनों अलग हुए थे ना गुली, अब मेरी वजह से तुम दोनों मिलोगे। गुली, कौन है भैया? अरे वो मुझसे प्यार नहीं करती, उसका मुझे दुख नहीं है। अभी वो क्या समझेगी बोल, प्यार नहीं करती तो मैंने ही सारा लिखा है ऐसा समझेगी? मत कर, मत बार, शांत हो जा यार। अरे तुम लोग जो करते हो उसकी वजह से मैं फंस जाता हूँ। एक तू भी ना यार, खत्म, सब खत्म हो गया। ए गुली सुनना गुली यार। अरे जाओ ना तुम लोग, जाओ ना, जाओ गुली। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, आप भैया से बात कीजिए ना। अरे बेटा, वो तुझे दुख थोड़ी ना पहुंचाना चाहता है, जो भी कर रहा है तेरी भलाई के लिए कर रहा है, ये थोड़ा सा खा ले। बड़ी माँ, क्या हुआ? ले, एक निवाला तो ले ले, ले ना। बड़ी माँ, अरे आ रही हूँ। अच्छा खाना खा के सो जा। बड़ी माँ कहाँ हो? अरे क्यों चिल्ला रहा है? माँ, माँ, अरे हाथ हटा।
मुझे ये शादी नहीं करनी माँ। फंक्शन में जा रही हूँ बोलकर मुझसे झूठ कहा तुमने। तू मुझसे बिल्कुल बात मत कर। माँ। हाँ। माँ तुम यहाँ पर हो? बड़े पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ जाकर देखो। तुम्हारी दादी के घर ये बात बता दोगे तो अच्छा रहेगा। चुप रहिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वरना ये बात पूरे गाँव में फैल जाएगी। जाकर देखो क्या बात है। ठीक है। भैया मुझे ये शादी नहीं करनी। भैया क्यों, उस कमीने के साथ भागना चाहती है? ये सच नहीं है भैया, मैं तो उसे ये बताने गई थी कि घर में कोई उसे पसंद नहीं करता। मैंने उसे कहा कि वो मुझे भूल जाए, लेकिन आप तो ऐसे से मेरी शादी करवाना चाहते हैं जैसे मैं जानती भी नहीं। क्या आप मेरे साथ ठीक कर रहे हैं? क्या आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है भैया? भरोसा? और तुझ पर? अरे तूने जो किया उसके लिए तुझे काट कर फेंक देना चाहिए था, लेकिन तू मेरी बहन इसीलिए छोड़ दिया। बहुत जल्दी मैं तेरी शादी करवा दूंगा, भरोसे की बात करती है। भाग जाऊंगी इसलिए बांध रही हो क्या? इतना भी भरोसा नहीं है तो एक दिन मैं सच में भाग जाऊंगी, कोई नहीं रोक पाएगा। पहले ही देर हो चुकी है, जल्दी जाकर जल्दी आना। हाँ चलो। हाँ, आराम से आ जा। अरे तुम लोग यहाँ बैठकर मीटिंग कर रहे हो क्या? चलो जल्दी जल्दी काम करो। अरे हाथ चलाओ जल्दी। गेहूँ पिसवाने के लिए मैं ही जाऊंगा। हाँ? हाँ, हाँ। ए जी मैंने कहा था ना, देखिए इसने नए कपड़े पहने हैं। मैंने कहा था ना इसका अच्छा टाइम शुरू होगा। आपको पता है गेहूं मैं पिसवा कर लाता हूँ बोल रहा है। तेरा बेटा वहाँ गृह प्रवेश का कार्ड छपवाने मैं गया था तो वहाँ किसी का फंक्शन है, वैसा कार्ड प्रिंट करवाने वो गया था। हाँ, इसके भरोसे रहेगी ना तो कल गृह प्रवेश में आटा भी आएगा और इडली भी तू ही बनाएगी। हाँ वो करेगा, आप जाइए और इसे पिसवा कर लाइए। तुम दोनों माँ बेटी की वजह से मेरे सर के बाल उड़ते जा रहे हैं। हाँ, हाँ। उसको गाली दिए बिना आपका दिन नहीं जाता ना। ओह आज कितनी धूप है, बहुत गर्मी हो रही है। बहुत ही धूप है, थक गई मैं तो, बैठे बैठे भी थक गई। हेलो 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 हेलो, अरे हेलो नेत्रा, फोन पे ध्यान है इसका। हेलो अरे हेलो, अरे कहाँ जा रहा है, गाड़ी से कौन चला रहा है, क्या होगा, हो गया क्या? हेलो अरे रुक जा, देख ये, अरे देखो खेत में जा रही है, गिर गई गिर गई। अरे हेलो, अरे हेलो, हाँ नेत्रा हम लोग, सुनाई दे रहा है? ए चीनू इधर आ, इसे वहाँ रख दे। हाँ नेत्रा सुनाई दे रहा है, बोलो क्या कह रही हो? मेरी शादी तय हो गई है। क्या बात कर रही हो, तुम्हारी शादी? हाँ अगले शुक्रवार को। हेलो हेलो हेलो, बात करो नेत्रा। ए रंगप्पा वो देख किसी पागल ने गाड़ी को खेत के अंदर ही छोड़ दिया। अरे अरे ये तो हमारी गाड़ी है। ए तुम्हारी तो, किसने मेरे खेत में गाड़ी डाली, किसने डाली बताओ, हटाओ इसे। ये सब क्या है, गाड़ी को खेत में छोड़कर कहाँ चला गया? मैं अरे किसी का फोन आया था, उससे बात करते करके वो उधर चला गया। नेत्रा कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बात करो। बातें कर रहा है, सुन रहे हो ना? पता नहीं किससे बात कर रहा है। अरे बात हो गई कि नहीं? ए हटाओ इसे यहाँ से।
ए निकालो 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 जल्दी जल्दी। वाह 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 वाह। क्या कर दिया तूने नाला? क्या किया तूने? फोन आया था। आप बैठिए। हाँ बैठ जाओ। बोलता है फोन था। हेलो नेत्रा, बोलो ना नेत्रा। नेत्रा कौन है रे तू? कौन सीनू है क्या? सीनू मैं गुली बात कर रहा हूँ। तू अभी तक नहीं सुधरा क्या? देख सीनू मेरी बात सुन। तेरा समय सही चल रहा है इसीलिए तू अभी तक जिंदा है। मुझे अच्छी तरह पता है तू नेत्रा को क्यों बहका रहा है। देख सीनू ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे सच में प्यार करता हूँ। उसने फोन करके बताया शुक्रवार को उसकी शादी है। चल मैं भी बताता हूँ, शुक्रवार को ही उसकी शादी है। देख सीनू अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो क्या कर लेगा रे? क्या कर लेगा? अगर तूने कोई भी गड़बड़ की ना तो तेरा सर तेरे धड़ से मैं अलग कर दूंगा। हेलो हेलो। क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रहे हो? किससे बात कर रहे थे? नेत्रा ने मेरे फोन से उसे फोन करके बता दिया कि शुक्रवार को उसकी शादी है। अब दोनों जरूर कोई प्लान कर रहे होंगे। अगर वो यहाँ नजर भी आए ना तो उसे जान से मार दूंगा। पहले मेरी बात सुन। बोलिए बड़े पिताजी। लड़के वालों से मैं बात करता हूँ। शादी शुक्रवार को नहीं गुरुवार को करते हैं। क्या कहा? हम उससे डर जाएं? अरे वो कमीना डरपोक है। आप भी डरपोक हो गए क्या बड़े पिताजी? जाकर अपना काम कर, गुरुवार को ही शादी होगी। ओफो, बड़े पिताजी। ये क्या यार, इन लोगों ने तो यहीं पे अड्डा जमा लिया है। अरे यार बस ठीक है, वो क्या है ना कि सब हमने देख लिया। क्या हुआ सीनू? देखिए चाहे वो रोए या खाना नहीं खाए आप उस पर रहम मत कीजिएगा। अगर वो बाथरूम भी जाए तो आप उसके साथ जाइएगा, समझ गई ना? अरे क्यों परेशान हो रहा है, मैं हूँ ना, मैं उस पर नजर रखूंगी। अरे भाई साहब आगे लेकर जाइए। आगे 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 आइए आइए आइए। ए दामाद जी आ गए हैं। ऐसे क्यों बैठे हो? उठो दामाद जी आए हैं। ये क्या, तुम लोग तलवार क्यों लेकर आए हो? हमने सुना कि कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए सब लेकर आए हैं। हमारे गांव में आकर हमें कौन छू सकता है? तुम हमें कमजोर समझ रहे हो क्या? पिताजी कैसे हैं? वैसे तो ठीक है लेकिन कल शादी है तो थोड़ी सी टेंशन भी है। ओ, कौन सा टेंशन है? मैं बढ़िया हूँ। बड़े पिताजी जाओ जाओ जाओ। साला जीजा के बीच में हजार बातें होती है। चलो चलो खाना खा लेते हैं। देखिए ऐसा है कि जैसा हमने सोचा सब वैसा ही हुआ ना तो कोई टेंशन नहीं। मादा जी मालकिन, इस नंबर पे फोन करके बता दो कि शादी शुक्रवार को नहीं कल ही है। जी मालकिन ठीक है, आप आराम कीजिए मैं बता दूंगा। ठीक है ये देखो कैसे हाथ जोड़ के खड़ा है। वाह। अरे यार तुम लोग कहाँ से आए हो भाई? हैं? नमस्ते पापा जी। हाँ ये सब क्या है? 20x20 का फ्लैग सब अच्छे से बांध दिया है, चका चक लग रहा है ना, देखिए। चका चक? देख के ऐसी जाएंगे क्या? क्या चाहिए? हाथ तो गर्म कीजिए। तुम्हारा गाल गर्म कर दूंगा, पैसा मांग रहा है मुझसे। अरे फोकट में दे रहे हैं क्या? आपका नाम ही डाला है ना। नाम? ए कहाँ इसमें मेरा नाम बता। आपका नाम क्या है पापा जी? बसवा गौड़ा। पूरा नाम नहीं लिख पाया इसीलिए बी से बसवा लिख दिया, बस हो गया ना। बसवा गौड़ा का बी? मारूंगा तुझे मैं। बी बोलता है मुझे बी। मैंने बोला था ना इसका नाम कहीं छोटे में डालना, कसम से एक क्वार्टर का पैसा नहीं दिया इसने। गुली एलियस नंदीसा, कब सुधरेगा? सुधर जा। ए गुली सुनना यार, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? उन लोगों ने अपने आदमी पूरे गांव के बाहर बैठा दिए हैं, उसे लेकर आना बहुत मुश्किल हो गया है यार।
ओए, मेरे घर का गृह प्रवेश है, हार जरा मोटा और बड़ा बनाना। हाँ, अर्जेंट में एक शादी का कुछ करके दे रहा हूँ, तब तक आप चाय पी कर आ जाइए ना, मैं बना दूंगा। गुलाब के फूल ज्यादा डालना, ठीक है? 50 रुपए में सारे गुलाब इसी में डाल देता हूँ। क्या गुनगुना रहा है बे? कुछ नहीं भाई, मैं रेडी करके देता हूँ ना, आप कौन है, तेरे को पता है ना? क्या बात है भाई, सुबह सुबह इसे परेशान कर रहे हो तुम लोग? अबे नेत्रा की शादी फिक्स हो गई है समझा, तो अभी क्या करना है? अरे करेंगे क्या, तेरी गाड़ी से उसे भगा कर ले जाएंगे और क्या। ए, कल सुबह 10 बजे हनुमान मंदिर के पास आ जाना। प्लान क्या है, कैसे करना है वो सब मैं बताता हूँ। घर में घुसकर उसे उठाकर सीधे शादी कर दूंगा। हाँ। ओ, वो क्या मिस वर्ड है क्या, उसके पीछे पड़ा हुआ है तो दूंगा। ज्यादा बोल मत, तुझसे हो गया नहीं पहले बोल। ए गुली छोड़ ना इसे, हम लोग सोचते ना क्या करना है। अब बता दोस्ती के लिए आएगा कि नहीं आएगा? अभी अभी तो मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है, इसे तो मत बदनाम करो यार। पिछली बार उस लड़की को ला करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी यार, अब तुम्हारी बातों में नहीं पड़ूंगा मैं। अरे रे रे रे, ये सब के सब यहीं मौजूद हैं, अगर फंस गया तो पूरी बात का पता चल जाएगा। एक काम करता हूँ, इस गाड़ी के पीछे छुप जाता हूँ। पता नहीं ये लोग कब जाएंगे, मैं कब फूल लेकर घर पहुँचूंगा। कौन है भाई जो बीच रोड में बैठा हुआ पेशाब कर रहा है? अरे ये तो अपने परमेश्वर जी हैं। क्या पंचायती परमेश्वर, नीचे बैठ के क्या कर रहे हो? हाँ अरे वो मेरी गाड़ी का किक गुम हो गया है ना, तो मैं बस उसी को ढूंढ रहा था। तुम लोग सुबह सुबह क्या कर रहे हो? अरे हमारा छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? वो भगवान के लिए हार लेने आया था। शादी के लिए हार बनाने को बोला था, भगवान का नाम ले रहे हो, ये क्या है? अपना मुंह बंद रखना, क्यों मुझे सुबह सुबह फंसा रहा है? जो काम दिया वो करके देना जल्दी। हाँ मैंने शादी के लिए हार बना तो दिया। अरे धीरे धीरे बोलना, वो लोग सुन लेंगे। ला दे ये लो। हेलो हेलो, उनको पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हेलो हेलो, हाँ हाँ, अरे लेट हो गया हूँ, हाँ आ रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ। हाँ गोली, उसके हाथ में फोन नहीं है फिर भी हेलो हेलो बोले जा रहा है यार। जिस दिन से हमने वो मर गया ऐसा अनाउंस किया, उस दिन से वो ज्यादा ही पागल हो गया है। छोड़ ना यार। अबे तू जल्दी बनाना, अगर मुहूर्त निकल जाएगा ना तो मेरा बाप मुझे बहुत मारेगा। ठीक है ठीक है भाई, दे तो रहा हूँ भाई। अरे वो आदमी शुक्रवार को आया था, बोल रहा था कि उसे शादी के लिए हार बनवाने, और कल आधी रात को आकर बोला कि सुबह ही शादी है तो जल्दी हार चाहिए, और अभी बोल रहा था कि उसे भगवान के लिए हार चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लगता है ये कोई गुप्त शादी कर रहा है। हाँ खैर छोड़ो, हमें क्या कर रहा है। ए लो, ए गुली क्या हुआ? गुली गुली, अरे हुआ क्या? सब खत्म हो गया, नेत्रा की शादी आज ही होने जा रही है। क्या? छी, ऐसी बेकार गाड़ी है, ब्रेक भी ठीक से नहीं पकड़ते। सीनु, सीनु, क्या बात है? मैं हार लेने गया था, उस समय गुली ने मुझे वहाँ देख लिया। तो अभी बता रहा है? हाँ? अरे रुक तो मेरी बात तो सुन, पहले मेरी बात सुन ले उसके बाद तुम मार लेना। हाँ मैंने वहाँ पर ये बोला कि ये हार भगवान के लिए लेके जा रहा हूँ मैं। बहुत बड़ा काम किया, चल हट। अब किसका फोन है? उसी का होगा, अगर मैं और रुका तो मुझे और पड़ेगा। क्या साले साहब, कैसे हो? मैं गुली बात कर रहा हूँ। हे साला, कौन कौन है तेरा साला? अरे तेरी बहन से अगर मैं शादी कर रहा हूँ तो तू साला नहीं बनेगा तो क्या चाचा बनेगा? एक बात बता, शुक्रवार को शादी करवा रहा हूँ, तू यहाँ पर आकर दिखा ऐसा बोलकर बहुत ज्यादा ही उड़ रहा था। अगर सही में तू मर्द है ना तो शुक्रवार को ही शादी करवा के बता। ए, मैं चाहे शादी शुक्रवार को करूँ या गुरुवार को, तुझे उससे क्या लेना देना? अरे साले साहब, मैं तो पहले से ही नाचने में फेमस हूँ। एक तो तुमने मेरे पैरों में घुंघरू बांध दिया था, तो मैं चुप कैसे रहूंगा? अब तो मैं बस ता दिन दिन दा ऐसे नाचता ही रहूंगा, देखते रहना। मेरी बहन की शादी 1 घंटे में होगी। तो मैं कब कह रहा हूँ कि 2 घंटे में होगी? मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि 1 ही घंटे में होगी। बहुत चर्बी चढ़ गई तुझे, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो गांव के अंदर पैर रख कर दिखा। अरे मेरी बहन को ले जाना तो दूर, उसे छू कर दिखा। क्या साले साहब, अभी भी डर डर कर ही बातें करते रहते हो, रजिस्टर ऑफिस के पास रहकर गांव में आ जा बोलते रहते हो। ठीक है छोड़ो, लड़की वालों को प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताओ, दुल्हन को ही ले जाने से शादी रुकती है क्या? दूल्हे को ले जाने से शादी नहीं रुकती। ज्यादा उड़ मत, तेरे घर के होने वाले दामाद से ले बात कर। हेलो सीनू, हेलो। आप क्या करता है बोल, तू आकर लेकर जाएगा या फिर अपनी बहन की ऐसी शादी कर लेगा? अरे साले साहब, चिक सिंकरी में आकर अन्ना गौड़ा का बगीचा कहाँ है पूछो, तो छोटा बच्चा भी लेकर आएगा। रखता हूँ साले साहब। मेरी बात सुनो यार, यार इस हैंडसम लड़के से शादी करने के लिए लड़कियां लाइन में खड़ी रहती हैं, और वो बेचारा
उसने एक लड़की को पसंद किया, वो लड़की नहीं है पागल है, गांव के लोग मेंटल मेंटल बोलते हैं, इसीलिए वो उसे शादी करना चाहता है। तू बीच में कहां से आ टपका यार? अरे यार राजकुमार की तरह दिखते हो यार। आहा, तू भी यार कितना हैंडसम लगता है, चश्मा पहन करके हीरो लगता है भाई। तुझे तो एक से एक लड़की मिल जाएगी, जापान की, चाइना की, नेपाल की, जहाँ की चाय का मिल जाएगा, इसके चक्कर में क्यों पड़ा है? तू भी अपना रास्ता पकड़ना भाई, कहाँ आ गया इसके पीछे? क्यों सर, टेंशन हो रही है क्या? कुछ पीना चाहते हो? लाऊं क्या? वो अभी बियर मांगेगा तो कहाँ से लेकर आएगा भाई? अरे जल्दी जल्दी करो ना, बहुत देर हो रहा है। अरे आते हैं बाबा, तू तो हमेशा जल्दी में रहता है। आ रहे हैं। क्यों रे, तू किससे बात करी है? कब से फोन पर लगी हुई है? हाँ बुआ, वो फोन करके बोल रहा है कि वो दूल्हे को उठाकर ले गया है। हे भगवान, यहाँ तो फिर से ड्रामा शुरू हो गया। अरे आप चुप रहिए। क्या चुप रहा हूँ मैं? मैंने जहर नहीं पिया था और मैंने जहर पिया ऐसा पूरे गांव में फैला के मेरा अपमान कर दिया उन्होंने। हमारे खानदान की इज्जत उतारने के लिए ही वो ये सब कर रहा है। शांत हो जाओ, चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को बताओ कि क्या। अरे चिल्लाऊं नहीं तो और मैं क्या करूं? ये शांत हो जाओ, सबको पता चल जाएगा। चलो अंदर चलो बेटी, चलो। क्या वो दूल्हे को छोड़कर चला गया? जरूर वो कोई प्लान बना रहा है। शादी रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं, घर पर होगी। सब लोग घर पर आ जाओ, समझ गए ना? अरे ये सब ड्रामा ड्रामा और कुछ नहीं है, इसने कोई जहर वहर नहीं पिया है, पूरा किडनैप हो गया ये बोलकर हंसी थी ना ये। अरे आप भी ना, इसने जहर पी लिया है और आप पूछ रहे हैं हंसी क्या हंसी क्या आप भी? अरे मैंने जहर पिया नहीं था फिर भी गांव में ढिंढोरा पीट गया ना, इसका भी यही प्लान है, इसने कोई जहर नहीं पिया है। ओ, 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 ये देखो ये तो आँख मार रही है मुझे, आँख मार रही है। चुप रहिए, ये होश में आ रही है और फिर बेहोश हो रही है और आप कह रहे हैं कि ये आँख मार रही है, ये देखिए जहर की बोतल भी यही पड़ी हुई है। अरे ये जहर नहीं है, तुम सबको बेवकूफ बना रही है ये। अरे मैं तुम सबके हाथ जोड़ता हूँ, समझो इस बात को, ये जहर नहीं है, इसने नहीं पिया नहीं पिया नहीं पिया। जब से इन्हें पता चला है इसने जहर पी लिया है ये पागल हो गए हैं। अरे इसे जल्दी से अस्पताल ले चलो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, इसे कहीं मत लेके जाओ। कहाँ जा रहे हो? ये तो चले गए। अरे उसे मत लेकर जाओ, उसने कुछ नहीं पिया है। ए रुको रुको, ए गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे रुको ना, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे जाते हो। हाँ बच्ची को बचा लो। हाँ आप चलाओ गाड़ी, तुम ये नहीं जाएंगे हैं, ये तो इधर ही आ रहा है। अरे 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 मारोगे क्या मुझे? बहुत पछताओगे, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। देखो तुम लोग वहाँ जाओगे, वहाँ किराट का तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हेलो, हाँ सुनो, हमारी नेत्रा ने जहर पी लिया है। क्या, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग उसे अभी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। हे, उसे हॉस्पिटल लेकर मत जाओ, घर पर लेकर आओ, मरने दो उसे। निर्दयी कहीं का। हे, गाड़ी रोको। डॉक्टर, किसी भी तरह मेरी बच्ची। चलिए चलिए आप बाहर चलिए, पेशेंट को परेशान मत कीजिए। हाँ ठीक है, हाँ नर्स, डोंट वरी। डॉक्टर साहब। हाय। हाँ? अरे ये तो वही हॉस्पिटल है ना। हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ए, ये लूजर यहाँ पे क्या कर रहा है? तू किसे लूजर बोल रहा है? थोड़ी देर रुक, मैं बताता हूँ तुझे, पता चल जाएगा कौन लूजर है। हाँ, जा जा जा। अरे तो वही रूम है। क्या करे, अंदर ट्रीटमेंट चल रही है, शांत। अरे तुम चुप रहो, ट्रीटमेंट चल रहा है, हनीमून चल रहा है, कैसे पता? तू फोन देख। अरे मत जाइए, अंदर रुक जाइए। हाँ, ये तो वही बेड है लेकिन जगह बदल दी। कहाँ गए ये लोग, इधर ही होने चाहिए, इधर भी नहीं है, उधर देखना चाहिए। हे तू कहाँ जा रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए, रुक जा। अरे ये लोग भाग गए। हाँ तू क्या कर रही है फोन में? अरे वो लोग पीछे के रास्ते से भाग गए हैं। अब ये क्या ला रही हो आप? अरे डॉक्टर ने कहा बच्ची को फल खिलाओ, ग्लूकोज और फल लेकर आई हूँ उसके लिए। बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन एक काम और करो, एक फल तुम लो एक इसे दे दो, यहीं बैठ के खाओ।
वो दोनों पीछे के रास्ते से निकल के भाग चुके हैं। अब जाओ देखो कहाँ गई मेरी बच्ची। ए, गाड़ी में बैठो। चल चल चल। हाँ बोलो मालती। ये लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, इन्हें समझ में तो कुछ आता नहीं है। हाँ ए चल रे गाड़ी निकाल। ए देख तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, तू डर मत। हाँ ए चलो चलो चलो। अरे क्या कर रहा है, गाड़ी तेज चला, देख वो कितनी तेजी से जा रहे हैं। तुम्हारे साथ रहकर मुझे भी तुम्हारे जैसे आइडियाज आने लगे। क्यों तूने ऐसा क्या किया? जहर पीने का जो नाटक किया वो तुम्हारे जैसा आइडिया ही तो था। मैंने तो शुक्रवार को पीने का नाटक करने को कहा था। मुझे पता था कि तुम शादी वाले दिन जरूर आओगे और दूल्हे को लेकर चले जाओगे, इसलिए आज ही नाटक कर लिया। अगर मैं नहीं आता तो मर जाती पगली। और तेज और तेज और तेज। अरे वो लोग उसके गांव की तरफ जा रहे हैं, जल्दी चला जल्दी जल्दी। अरे जल्दी चल यार जल्दी चल। और तेज चलाओ। अरे वो उधर जा रहा है, देख देख देख। इसको लगता है कि परमेश्वर की इस पर नजर नहीं है, मैं साफ देख रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे यार सुन, यहाँ गाड़ी रोक। अरे यहाँ क्यों गाड़ी रोकने के लिए कह रहे हो, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। अरे मैं बताता हूँ, अरे गाड़ी रोकना, रिवर्स में रिवर्स में। क्या रिवर्स में? अरे आ जा यार, बोल रहा हूँ तू चलना। अरे हाँ? ये तो रिवर्स आ रहा है, ये लगता है कोई प्लान बना रहा है। हाँ चल चल चल, आजा आजा आजा, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। हाँ बस बस बस। ए, ये तो बंदी रहे, यहाँ क्या करेगा भाई, यहाँ पर हाथ जोड़ो। अभी ये सब जरूरी है क्या? अरे भगवान हमें एक कर रहे हैं तो तुम भगवान को ही डांटोगी क्या? भगवान तो दिख ही नहीं रहे, सिर्फ खंभा दिखाई दे रहा है। अरे कुछ तो दिख रहा है ना, तुम अपनी आंखें बंद करो नेत्रा। हेलो, प्यार से भक्ति से अपनी आंखें बंद करो नेत्रा। अरे रे रे रे, इसने तो मंगलसूत्र भी बांध दिया। परमेश्वर शादी का खाना खाने आ जाना, तू चल चल चल। अरे रे 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 रे, ये तो इनविटेशन देके चला गया। अरे चलो चलो जल्दी चलो, खाना खाने जाना है कि नहीं जाना है, बैठ जाओ जल्दी, चलो चलो चला रे चला। हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ, क्या हुआ? ए, उसने मंगलसूत्र बांध दिया, हम मंगलसूत्र को फेंक देंगे और उसी दूल्हे के साथ शादी करेंगे। हाँ मुझे बताए बिना मंगलसूत्र क्यों बांधा? देखो मैं कार में तुम्हें मंगलसूत्र बांधता तो तुम मानती क्या? अभी घर पर जाऊंगा तो मेरा बाप हम दोनों की शादी करवाएगा क्या? वो तो इतनी बड़ी तलवार लेकर हमारा इंतजार कर रहा होगा। लो इसे वहां रखो। ए रुको रुको, गाड़ी रुक दो, देखता हूँ वो कहाँ गया है। यहीं से कहीं गया ना वो, देखता हूँ। हाँ किधर गया होगा, यहाँ से किधर गया होगा वो, इधर या इधर। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं। इस गांव में जो मौत हुई है, हाँ हाँ मौत का समाचार, उस दिन में माइक लगा के मौत का समाचार दे रहे थे ना, आज भी वैसा ही बोलोगे तो छोड़ दूंगा क्या? आ जाओ आ जाओ। ए तुम में से कोई मत आना रे। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जाता हूँ उधर। बहुत अच्छे इंसान थे, ये सेट नहीं होगा। अब बताता हूँ मैं, आ जाओ आओ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए भाग गए क्या हैं? ये तो कहीं गायब हो गए इन सब के चक्कर में, मैंने बेकार झगड़ा मोल ले लिया, अब क्या करूं मैं। हाँ चुपचाप से ही अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ। भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे अरे भाई साहब, अरे अरे ये तो गोली की गैंग नहीं है, अब क्या करूं मैं, समझौता करना ही सही है। अरे इतना सारा रंग लगा के आप कौन से फंक्शन में जा रहे हो, हैं क्या हो रहा है ये, हैं बताओ ना। हैं अंदर ले लो इसे। नहीं कोड़ा जी, अपने बेटे को भी बुलाइए। अरे आप मुझे शांति से रहने दीजिए ना, पूजा कीजिए ना आप। क्या माँ जी, अपने बेटे को छोड़कर? वो कहीं बाहर गया है, आप शुरू कीजिए ना। ठीक है,
उसका इंतजार करते करते तीन मुहूर्त निकल चुके हैं, अब चौथा भी ऐसे ही छोड़ दूं क्या? ऐसे मुंह क्यों लटका लिया? कुछ नहीं नेत्रा, इतने दिनों तक पूरा गांव मुझे बस हमेशा कोसता ही रहता था, लेकिन मैं किसी से नहीं डरा और किसी के सामने सर नहीं झुकाया। लेकिन तुम्हें मंगलसूत्र बांधने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है नेत्रा। मैं बाहरी देश में जाकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ नेत्रा, और तुम्हें जिंदगी भर हमेशा हमेशा के लिए खुश रखना चाहता हूँ। क्यों दादाजी, कैसे हो? हाँ बेटा ठीक, पेट भर के खाना खाना और बहुत सारी मिठाई खाना। क्यों बेटा, इतना अच्छा घर बांधा, मेरे लिए एक साड़ी नहीं खरीद सकता था? ये क्या बुआ, मेरी बेटी की शादी में मैं तुम्हें रेशमी साड़ी दूंगा, अभी तो तुम पेट भर के खाना खाओ। हाँ ठीक है ठीक है। पापा क्या हुआ? भैया एक लड़की से शादी करके उसे लेकर आए। क्या कहा, शादी कर ली? हाँ पापा। ये सुधरेगा नहीं कभी भी, शादी करके ले आया किसी को। हटो रे हटो, रास्ता छोड़, हट जा। अरे अरे, उस लड़की की आज ही शादी थी, उसे मंडप से उठाकर लाया है वो। ऐसे लड़के पर लड़की ने कैसे भरोसा कर लिया? नालायक, सब छोड़ दो मुझे। अरे, सारे गांव वाले यहाँ खाना खाने आए और तू मेरा अपमान करने के लिए शादी करके ले आए इसे। ये तुम्हारे पापा है क्या? आज मैं तेरे टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। अरे छोड़ो मुझे। अरे ये तो अच्छी बात है ना। मुझे तो चिल्लाने वाली कौन सी बात इसे है? मिला दी। ए, गृह प्रवेश के लिए लाया बाहर, ये गले में पहन के खड़ा हो गया है, सबको बेवकूफ बनाता है ये, देखा इसको। तू क्यों हंस रही है? तू और तेरे बेटे ने मिलके हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे शांत हो जाओ। अरे पहले लुंगी पहनो। अरे तूने और तेरे बेटे ने मिलके देखा क्या इज्जत दी है मुझे गांव के सामने, लुंगी उतर गई तो क्या हुआ? ओहो तुम लोग ऐसे क्यों खड़ी हो, जाकर आरती लेकर आओ, मेरी बहू की आरती उतारनी है। यहाँ अगर किसी ने आरती उतारने की कोशिश की तो मैं उसके हाथ काट दूंगा, फिर तो होगा देखा जाएगा। ए नालायक, आज तुझे काट कर मैं जेल जाऊंगा, देख लेना, फिर तो होगा वो देखा जाएगा। आरती उतारने को बोल रही हो लेकिन तेरा पति तो हाथ तोड़ने की बात कर रहा है। ओहो ये तो ऐसे ही है, तुम जाकर आरती लेकर आओ। अरे यार गुली, तूने तो सचमुच कमाल कर दिया यार। हाँ यार, शादी कर ली, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई भाई, मजा आ गया। बहुत बहुत मुबारक हो। ए, हटो हटो हटो, रास्ता दो, हटो रास्ते से। ए, हटो। अरे और तू सिनो, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन सिनो, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जान से मार दूंगा। चल सिनो, चल। ए छोड़ो, चल यहाँ से, चल चुपचाप। यहाँ आकर तू मेरे घर के सामने से, तू मेरी आंखों के सामने बहू को लेके जा रहा है, मैं देखता हूँ तुझे। ए, रोको उसे। चल, 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 चंद गुंडे आकर के गांव की बहू को तुम्हारे सामने खींच कर लेकर जा रहे हैं और तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, हाथों में चूड़ियां पहन लिए तुमने। तू मुझे नहीं जानता है, तुम लोग मुझे नहीं जानते हो, बहुत गलत कर रहे हो। बेटी मैं हूँ ना, देख रही हो ना शादी के दिन कैसा तमाशा हो रहा है यार। बड़ा तमाशा है। हाँ पीछे हट, नहीं तो सबको मार दूंगा। हाथ हटा बे, अबे हाथ हटा। किसके ऊपर तलवार उठा रहे हो? हाँ उसके साथ कोई नहीं है, ऐसा समझ रहे हो क्या? मैं हूँ ना इसके साथ, मेरे घर के पास आए हैं मेरे साले साहब और उन पर तलवार उठा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आ जाओ, कौन आता है देख लेता हूँ, एक एक को काट के रख दूंगा। ठीक है बेटा, रात को मिलना, वहीं पे बात करेंगे, समझ गए? आना बेटा कार स्टैंड पे, वहीं बात करते हैं। ए, देखा तूने तेरे बेटे को? शादी हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है और अभी से अपने साले की साइड लेने शुरू कर दिया, बीवी का इतना तरफदार है ये? कहीं बीवी की बातों में आके हमें सड़क पे ना फेंक दे। आप चुप रहिए जी। चल गाड़ी निकाल। ये क्या है गौड़ा जी, आप भी ना गृह प्रवेश का निमंत्रण पत्र दिए हो?
हाँ तो, और उसी के खर्चे में बेटे की शादी भी करवा दी, क्या बात है। भाई साहब, इस वक्त आप क्यों तमाशा कर रहे हो? खाना खाने आए हो, खाना खाकर जाओ ना। ए सब लोग आओ यहाँ पर, दूल्हा दुल्हन को लेकर आओ। ए, अरे रो क्यों रही हो, सब कुछ ठीक हो गया है, चलो आ जाओ। ए गुली, वाह कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू सर। अरे तूने 12वीं पास कर ली कि नहीं? 12वीं? वैसे तुमने कितनी पढ़ाई की है? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, हमारे गांव में मैं ही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का हूँ। BSc कंप्यूटर साइंस, अब अब्रॉड जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। नेत्रा, अरे नहीं प्लीज, सॉरी सॉरी नेत्रा, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, प्लीज नेत्रा, सॉरी सॉरी नेत्रा, सॉरी। ये तो बिल्कुल तुम पर गया है। लो लो लो, रो मत बच्चा, आराम से आराम से आराम से। तू मेरे बेटे से मिलने के लिए आया ना तो मैं बहुत खुश हो गया। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे को तुम्हारे गोद में बिठाकर कान में छेद किया उतना ही मेरे लिए काफी है, और कुछ नहीं। ऐसा क्या, तूने तो मेरे गांव के भगवान को लाकर अपने गांव में रख लिया, अब किस भगवान के कान में छेद करूं? भगवान मैं भेजता हूँ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, बस 6 महीना यहाँ रहने दो, 6 महीने के बाद देखना कौन माइकालाल मेरा क्या उखाड़ता है, मैं भी देखता हूँ। जो हो सके वो बात करो जीजा। क्यों, ये नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, देखना जरूर होगा।